हे गाइस वेलकम बैक टू स्टडी और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका सीरीज और ये जो आपका टॉपिक है डीआरडीओ 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 एमटीएस इसरो का कोई भी एग्जाम या फिर आपका एसएससी सीजीएल एसएससी जेई यूपी ट्रिपल एस सी जेई डीएमआरसी एल जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए कंप्लीट टॉपिक है इस टॉपिक को कवर, कवर पढ़ने के बाद यहां से मैं गारंटी देता हूं हंड्रेड आपका किसी भी एग्जाम में किसी भी चीज में सीरीज का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम पढ़ाना स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ाना मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले हम आपकी थ्योरी से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और सीरीज के बारे में जानेंगे कि सीरीज होती क्या है और कितने टाइप की सीरीज होती है और सीरीज uh, के अपने क्वेश्चन देखोगे बहुत सारे होते हैं एबीसीडी वाले होते हैं नंबर वाले होते हैं डिजिट्स वाले होते हैं और अलग अलग सीक्वेंस और अलग अलग उसमें ऑर्डर होते हैं तो पहले हम इसको डीपली थोड़ा सा थ्योरी में जान लेते हैं और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है बट अगर आप एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो जब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उसको वैसे वैसे लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में ठीक है सीरीज uh, हम पढ़ रहे हैं इन द वर्बल सीरीज वर्ड्स लेटर्स और डिजिट्स आर गिवन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑर्डर एंड वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट वर्ड लेटर और डिजिट टू कंप्लीट द गिवन सीरीज सीरीज जो होती है उसमें आपके नंबर्स दिए होते हैं लेटर्स दिए होते हैं या फिर वर्ड्स दिए होते हैं या फिर डिजिट्स दी होती हैं ठीक है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लाइक like किसी भी अरेंजमेंट में सीक्वेंस में वो लिखे होते हैं ऑर्डर में और हमको फाइंड करना होता है कि उसमें बीच वाले में जो उन्होंने डैश छोड़ा है उसमें क्या आएगा या फिर आपके लास्ट की दो दो या तीन डिजिट्स में क्या आएगा ठीक है ये आपका पूरा प्रॉपर होता है न्यू नंबर्स और अल्फाबेट लेटर्स आर जनरली कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीरीज दीज टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न थ्रू आउट और नंबर और अल्फाबेट को हम टर्म्स बोलते हैं सीरीज के अंदर लाइक like कोई भी आपकी सीरीज लिखी हुई है तो उसमें हम टर्म्स उसको उसको बोलेंगे और यही उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो फॉलो करता है पूरे अपने क्वेश्चन में इन द क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई लास्ट वन और टू टर्म्स टू कंटिन्यू द सीरीज और टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन बिटवीन गिवन टर्म्स टू कंटिन्यू द सिक्वेंस फॉलोइंग द क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में क्या करना होता है हमको आइडेंटिफाई करना होता है लास्ट वर्ड लास्ट का एक डिजिट या फिर लास्ट की दो डिजिट या फिर लास्ट के दो टर्म ठीक है उस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए या फिर हमको फाइंड करना होता है बीच का कोई भी एक मिसिंग नंबर जो कि उस सीरीज में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका देर इज नो सेट पैटर्न देर इज नो सेट पैटर्न एंड ईच क्वेश्चन में फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न और सीक्वेंशल अरेन्जमेंट ऑफ लेटर्स और डिजिट Which टू डिटेक्ट detect using कॉमन सेंस और रीजनिंग एबिलिटी हर एक क्वेश्चन का कोई भी एक पर्टिकुलर सेट नहीं होता कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का जितने भी आपके सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो हमेशा अलग होंगे वो हमेशा ही एक अलग पैटर्न फॉलो करेंगे बट ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता समझा नहीं जा सकता आप इसको मेरे चैनल को फिर सीरीज पढ़ लो आपको आ जाएगा हंड्रेड ठीक है तो हर एक क्वेश्चन का आपका एक पर्टिकुलर अलग पैटर्न होगा और पर्टिकुलर एक अरेन्जमेंट होगा जो कि उसको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग होगा बट आप उसको सोल्व कर सकते हो क्या सो क्या किस चीज से कॉमन सेंस से और रीजनिंग एबिलिटी से कॉमन सेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन सेंस से यूज कर लेते हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में से किसी के पास कॉमन सेंस नहीं है सभी के पास है बट शायद किसी के पास थोड़ा ज्यादा है किसी के पास थोड़ा कम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से अभी बहुत छोटे हैं इसको कॉमन uh, सेंस को यूज करने के लिए सॉरी टू से दैट बट शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रीजनिंग नहीं आती और समझ में ही नहीं आता लाइक अपने उनसे अपने आप सॉल्व नहीं होती ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है तो उनके लिए रीजनिंग एबिलिटी होती है अब यहां पर हम रीजनिंग एबिलिटी ही पढ़ने वाले हैं तो उसी की तरीके से मतलब एक पूरे अरेंजमेंट से पूरे प्रॉपर तरीके से हम ए, ए, सीरीज को पढ़ेंगे सीरीज के चार तरीके सीरीज चार तरीके की होती है लिख लीजिएगा आप जो हिंदू हिंदी वाले स्टूडेंट्स और जो इंग्लिश वाले हैं वो वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ लिखते जाइए अगर आपको ये लिखना है तो ठीक है देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ वर्बल सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चन ठीक है एक होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज अल्फाबेट सीरीज एक होती है आपकी लेटर सीरीज एक होती है आपकी नंबर सीरीज और एक होती है आपकी मिक्स सीरीज आज हम जो आपका पढ़ने वाले हैं इस वाली वीडियो में वो हम आपकी अल्फाबेट सीरीज होने वाली है और इसके बाद आपकी जो तीन वीडियोस आएंगे अलग अलग एक लेटर होगी एक नंबर होगी और एक आपकी मिक्स सीरीज होगी तो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे वह इस तरीके का पढ़ेंगे कि आप बिल्कुल जीरो से और एकदम हीरो तक तो पढ़ोगे आपका को, आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें सीरीज पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन ना जाए ठीक है अब हम थोड़ा सा अल्फाबेटिकल अल्फाबेट सीरीज के बारे में जान लेते हैं गिविन अल्फाबेट फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर ठीक है जो भी आपके अल्फाबेट दिए होंगे वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे वी हैव टू डिटेक्ट द फॉलोइंग वी हैव टू डिटेक्ट द पैटर्न फ्रॉम द गि इन अल्फाबेट हमको पैटर्न को डिटेक्ट करना होगा जो भी आपके अल्फाबेट सीरीज में दिए हुए हैं और हमको फाइंड करना होगा मिसिंग नंबर मिसिंग अल्फाबेट फाइंड करना होगा और द नेक्स्ट अल्फाबेट टू कंटिन्यू द पैटर्न और हमको जो भी आपके सीरीज में अल्फाबेट दिए हुए हैं उसको हमको नेक्स्ट फाइन करना होगा उस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए इसके लिए आपका कोई सेट रूल नहीं है कि हमेशा यही पैटर्न फॉलो गए या फिर यही रूल फॉलो होगा हर एक क्वेश्चन के लिए अलग पैटर्न होगा हर एक क्वेश्चन के लिए अलग रूल होगा ठीक है अल्टरनेट ऑर्डर सीक्वेंस सेवल अदर पैटर्न इन द लेटर सीरीज और अल्टरनेट ऑर्डर होंगे सिक्वेंस होंगे सेवरल अदर अदर पैटर्न होंगे पूरी लेटर की सीरीज में टू टैकल लेटर सीरीज इसको टैकल किस तरीके से आपको करना है वेरी पोजिशन ऑफ द अल्फाबेट आपको जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनको इधर उधर करके आप देख सकते हो वेरी इधर ठीक है इट्स इट्स पोजिशन नंबर इन बोथ फॉरवर्ड इन बैकवर्ड सिक्वेंस और आपको क्या करना होगा उसको कभी आगे की तरफ से रीड करके देखना है कभी आपको पीछे से रीड करके देखना है या फिर उसमें ऐड करके माइनस करके डिवाइड करके व्हाट एवर यू वॉन्ट्स टू डू बस आपको वही करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं ओके okay? अब बात कर देंगे ऐसे में आपकी पैटर्न ऑफ लेटर की किस तरीके के पैटर्न होते हैं ठीक है उसका फर्स्ट टाइप होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन अल्फाबेट्स एंड रिपीटिशन ऑफ लेटर आपको देखना होगा कि एक से दूसरे लेटर के बीच में आपका क्या डिफरेंस है ठीक है क्या डिस्टेंस है क्या डिफरेंस है या फिर आपको देखना होगा कि क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है लाइक like, कोई भी दो वर्ड्स के बीच में दो का बार बार डिफरेंस आ रहा है तीन का डिफरेंस आ रहा है चार का डिफरेंस आ रहा है इस तरीके से आपको चेक करना होगा टू कंटिन्यू द सीरीज आफ्टर जेड जब आपके अल्फाबेट्स खत्म हो जाएंगे लाइक आपके दो या तीन वर्ड के बाद जेड तक आप पहुंच गए ठीक है वी बिगेन विथ ए इन अदर वर्ड्स तो हम जैसे ही आपका जेड खत्म होगा तो उसके बाद हम फिर से उसको काउंट करना स्टार्ट कर देंगे ए से लाइक ए बी सी डी आपको कोई भी था ए एस टी जेड और फिर से आपका ए आ गया ठीक है तो हम ऐसे ही उसको काउंट करेंगे और ए से स्टार्ट कर देंगे एंड द सीक्वेंस इज कीप्ड इन अ सर्कुलर ऑर्डर और ये सीक्वेंस सर्कुलर ऑर्डर में चलता रहेगा लाइक like आपने सर्कल बनाया कोई भी और ए से स्टार्ट किया यहां पे आपका जेड आता है तो इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा ऑन रीचिंग जेड द सीरीज रीस्टार्ट फ्रॉम ए एंड ऑन रीचिंग ए इ स्टार्ट फ्रॉम जेड अगर आप लेफ्ट uh, से जाते हो तो राइट से से uh, right तरफ से अब हम आपके सीरीज देख लेते हैं कि, कि किस तरीके से आप नंबर को याद कर सकते हो अल्फाबेट्स इन नेचुरल सीरीज ठीक है आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो और उनको याद कर सकते हो आप वन से लेके से लेके जेड तक अपनी ए बी सी को लिखिए अल्फाबेट्स को लिखिए और उसके बाद आपको क्या करना है उस पर नंबर्स लिख लेने हैं लाइक ए आपका फर्स्ट पे आता है ई e आपका फिफ्थ पे आता है जे आपका टेंथ पे आता है ओ आपका फिफ्टींथ पे आता है टी आपका ट्वेंटी पे आता है और वाई आपका ट्वेंटी फाइव पे आता है इससे आपको इजी क्या होगा जब भी आपको ई e आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ई e की पोजिशन फाइव होती है तो एफ की सिक्स होगी या जी की सेवन होगी ठीक है इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आप बस इसको एक बार याद करके देख लेना अगर आप कर पाओ वरना बिना याद करे भी सॉल्व इजीली हो जाएगा इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में टाइम ही सेव करना होता है और टाइम आपका इसी तरीके से सेव होगा ये आपके ट्रिक्स हैं ये किसी भी चीज को स्टार्ट करने की पहले की प्रिपरेशन है क्वेश्चन सोल्व करना काफी ज्यादा ईजी होगा आप देखना अभी ठीक है तो ओ अगर आप ओ को याद कर ले तो ओ के बाद आपकी जो डिजिट ओ, ओ का जो नंबर है वो आपका फिफ्टींथ है तो उसके बाद अगर आपको आर आ रहा है तो आप देख सकते हो कि आर किससे पहले आता है या फिर किसके बाद में आता है आपको पता है कि आर ओ के बाद में आता है ओ पी क्यू आर ठीक है तो आप देख सकते हो कि 15 में, में मेरे को तीन प्लस करने है तो मेरा आर आ जाएगा या फिर टी में से मेरे को टू माइनस करने है, या वन माइनस करना है क्या करना है आप वो समझ जाओगे इस बात को और फिर रिवर्स डायरेक्शन में लाइक ए आपका 25 पे आता है अगर आप नेचुरल सीरीज में चलते हो और ए आपका फिफ्थ पे जे आपका टेंथ पे ओ आपका फिफ्टींथ पे टी आपका ट्वेंटी पे और वाई आपका ट्वेंटी पे उसके बाद अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाते हो तो यही चीज आपकी चेंज होता हो जाती है यहां पे आपका जेड आपका फर्स्ट पे आता है वी आपका फिफ्थ पे आता है क्यू आपका टेंथ पे आता है एल आपका फिफ्टींथ पे आता है और जी आपका ट्वेंटी पे आता है और बी आपका ट्वेंटी फाइव पे आता है उसी के साथ अब आती है आपकी पोजिशन ऑफ अल्फाबेट मैं आपको यहां पे जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता बिना वजह बातों में वेस्ट हो ठीक है मेरा जो मोटिव है मेरे को सिर्फ आपको पढ़ाना है दैट सेट आपको पढ़ना है दैट सेट यहां पे बातों का इतना ज्यादा मैं शायद ध्यान ना दू और शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे और बोरिंग लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी बट मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ते रहो अब आती है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट की आपको पोजीशन का किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा नंबर आपका किस पोजीशन पे आता है लेफ्ट साइड से या राइट right साइड से तो आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हो वन ए ट्वेंटी सिक्स बी टू टू बी ट्वेंटी फाइव थ्री सी ट्वेंटी फोर फोर डी ट्वेंटी थ्री फाइव ई ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिक्स एफ ट्वेंटी वन सेवन जी ट्वेंटी अगर आप इस तरीके से अल्फाबेट्स को याद करोगे तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि ओ की पोजिशन क्या होती है ओ की पोजिशन होती है आपकी फिफ्टी फिफ्टीन और ट्वेल्व ठीक है आपको पता होगा कि आपकी वाई की पोजिशन क्या होती है वाई की पोजिशन आपको होती है आपकी ट्वेंटी फाइव वाई टू ओके तो इस तरीके से आपको पता होगा कि किसके बाद क्या नंबर आता है अभी शायद आपको यह लग रहा हो कि इन नंबर से फायदा क्या होगा बट जब आप इनको कर लोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि इनका यूज क्या है नेक्स्ट क्या आपका ये नोट डाउन कर लो ये जो आपका नंबर इस तरीके से लिखे इसको आप एम मान सकते हो और इसको आप अपना एन मान सकते हो एम पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट और एन पोजिशन फ्रॉम द राइट ठीक है एम एक्स एन एम इज इक्वल टू पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट और एन इज इक्वल टू पोजिशन फ्रॉम द राइट और ये चीज चेक करने के लिए कि आपने जो नंबर चूज किया है लाइक आपने फोर और ट्वेंटी थ्री जो आपने काउंट किया है वो आपका सही है या नहीं क्या लेफ्ट साइड से डी की पोजीशन मैंने सही देखी है या राइट right साइड से मैंने डी की पोजीशन सही देखी है तो उसके लिए आपको सिंपली जो आपने वर्ड नंबर्स को देखा है नंबर जो आपको रिमेंबर हैं तो वो आपको सिर्फ ऐड कर देना है और उसका अगर आप एम ऑन एम और एन को आप ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा ट्वेंटी आएगा और अगर इसका आंसर आपको ट्वेंटी नहीं आता है तो इसका मतलब आपने जो काउंट किया है वो आपका गलत है यहां पे आप देख सकते हो एम प्लस एन इज टू ट्वेंटी सेवन आप कोई भी दो इसमें से ऐड करो वो आपका आंसर हमेशा ट्वेंटी सेवन आएगा फोर्टीन प्लस स्टार्टिंग ट्वेंटी सेवन सिक्सटी प्लस इलेवन ट्वेंटी सेवन सेवनटीन प्लस टेन सो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन प्लस सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू प्लस फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन थ्री प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन ठीक है अब हम आगे मूव करते हैं अब आ जाएगा इस आपका मेन रीजनिंग का पार्ट कि किस टाइप के आपके पैटर्न होते हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करना और क्वेश्चंस को समझना कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है सबसे पहला आता है आपका रेगुलर पैटर्न ठीक है रेगुलर ऑर्डर सम स्किपिंग पैटर्न स्किप करते हैं ना बीच बीच में आपका गैप करके जाते हैं अल्फाबेट्स में तो ये आपका रेगुलर ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर में आपका दिया हुआ है जी जी एडीजी जी जे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ए डी जी जे क्या दे दिया ठीक है शायद आप में से कुछ को समझ में आ गया हो कुछ को नहीं समझ में आ गया मैंने आंसर और उसका रीजन इसलिए लिख दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो क्योंकि जब मैं लाइव वीडियो पे आपको लिखूंगा तो शायद राइटिंग थोड़ी गंदी है और आपको समझ में ना आए यहां भी गंदी है और आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट बट शायद समझ में तो आ ही रही होगी ठीक है ए डी जे तो आपको सिंपली करना है रेगुलर ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर में एक रेगुलर पैटर्न चलेगा लाइक like, अगर कुछ भी दो चीज के बीच का डिफरेंस है तो वो हमेशा सेम होगा आप अगर यहां पे से काउंट करके देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम समझ रहे हो ना ए और डी के बीच में दो दो अल्फाबेट्स का डिफरेंस है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तो यहां पे आपका एम आ जाता है टू डिजिट्स स्किप्ड हेयर ठीक है दो डिजिट्स हमने आपके यहाँ पे स्किप कर दिए हैं या अल्फाबेट्स अब बात किया बात की इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है यहां पे आपको दिया हुआ है ए सी एफ जे ओ आप इधर उधर लिखी हुई बातों पे ध्यान मत दो जहां मेरा पैन जा रहा है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ वहीं पर ध्यान देना है आपको और कहीं ध्यान नहीं देना इधर, -इधर मत देखो ठीक है ए सी एफ ए सी एफ जे ओ तो ए के के बाद आपका कितना डिफरेंस है ए डिजिट छोटी है आपकी यहां पर बी सी के बाद कितना छोड़ा है आपका डी ई एफ आपने देखा कि यहां पे एक छोड़ा है यहां पे दो छोड़े हैं तो यहां पर ऑब्वियसली बात है तीन छोड़ोगी एफ जी एच आई जे यहां पे तीन हो गए वन टू थ्री यहां पे आपका फोर हो जाएगा जे के एल एम एन ओ ठीक है ओ यहाँ पे आपका फोर हो गया यहां पे आपका फाइव हो जाएगा ओ के बाद आपका क्या पी क्यू आर एस टी यू ओके तो यहां पे आपका आंसर आ गया यू आप करके देखिए अगर आपको और जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो मेरी वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को पे करिए चेक करके देखिए कि ये OU किस तरीके से आया फिर कोई आंसर लिखा हो तो किस तरीके से आया फिर अगर कोई आंसर नहीं लिखा तो इसका आंसर क्या होगा इस तरीके से फिर आता है जैसे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था उसी तरीके से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है ओके ऑर्डर ए जी एल पी एस डिक्रीजिंग ऑर्डर अब आपको किस तरीके से करना है आपको पता होगा आप इसी वक्त वीडियो को पॉज करिए ठीक है और देखिए किस तरीके से सोल्व हो रहा है सिंपल सा है अगर आप ए और इसके बीच का डिफरेंस देखो तो पहले में फाइव डिजिट्स का डिफरेंस है ठीक है सिंपली फाइव का डिफरेंस है फिर फोर का डिफरेंस है फिर थ्री का डिफरेंस है फिर टू का डिफरेंस है इसी तरीके से आप अगर करोगे तो आपका यू आ जाएगा ओके अब आती है सबसे अमेजिंग वाली सीरीज मैं आपको गारंटी देता हूं गारंटी नहीं देता मतलब आप वीडियो को भी यहीं कहीं पोज करो और इसको सोल्व करने का ट्राई करो फिर मैं आपको इसको सोल्व कराता हूं चलिए अगर आपने ट्राई नहीं किया और अगर आपने ट्राई किया आपसे सोल्व नहीं हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से सोल्व होगा ये आपका पैटर्न हम बात कर थे। ये आपका इंटर सीरीज है तो ये देखिए आप ये आपका सेम क्वेश्चन है एफ जे एम आर ए डी ए डी एफ जे एम आर ठीक है फोकस आप देख सकते हो कि पहली ए और डी के बीच में कितना डिफरेंस है ए बी सी ओके टू डिजिट्स का डिफरेंस है और फिर डी डीई एफ तो यहां पे आपका कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में आपका एक का डिफरेंस है डी के -E बाद ई e आता है समझ रहे हो ना ध्यान से देखो ए e के -E बाद आपका डी आ रहा है डायरेक्ट तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बी सी का डी के -E बाद आपका एफ आ रहा है बट इसके बीच में कितना डिफरेंस है आपका एक डिजिट का डी ई एफ ठीक है एफ के बाद आपका जे आ रहा है तो यहां पे आपका एफ के -E बाद आपको कितना काउंट करना पड़ा आई तो यहां पे आपका कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है तीन डिजिट्स का ठीक है तो अगर आप इतने को ही पहले देखो तो पहले दो का आया फिर एक का आया फिर तीन का आया तो दैट मीन्स कि ये वाली एक सीरीज आपकी अलग चल रही है इंटरलिंक्ड और एक ये वाली अलग चल रही है जे के बाद आपके कितने डिजिट का डिफरेंस है जे के एल एम तो यहां पे आपका दो डिजिट्स का आया तो आप देख सकते हो वन टू टू थ्री वन टू थ्री टू थ्री फोर ठीक है इसी तरीके से आपका होगा ए बी सी डी ई दो का आया तीन का आया एक को आप एक एक को स्किप करते रहे यहां पे दो का आया यहाँ पे तीन का आया यहाँ पे चार का आया यहाँ पे फिर से तीन यहाँ पे तीन का इसलिए आया वन टू थ्री टू थ्री फोर समझ रहा है फिर से देखो एक बार ए बी सी डी दो का आया डी ई e, एफ एक का आया एफ जी एच आई तीन का आया जे ठीक है यहाँ पे तीन का आया दो का आया फिर तीन का आया फिर एक का आया फिर दो का आया तीन का आया चार का आया दो का आया तीन का आया आप ध्यान से एक बार इसको देखो अगर समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काफी ज्यादा इजी था बट नहीं आया तो एक बार खुद से इसको लिखे हुए को यहीं पे करो और समझ के देखो सो गाइस इंटरलिंक्ट सीरीज में क्या होता है आपकी दो सीरीज मैच कर रही होती है मतलब दो सीरीज इसमें आपकी लिंक्ड होती है एक आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी हो सकते हैं या फिर दोनों आपकी इंक्रीजिंग की भी हो सकते हैं या फिर एक आपकी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरीके से हो सकता है अब हम इस चीज को क्वेश्चन में देखते हैं गाइस मैंने मैंने इस पेपर पे मतलब दस क्वेश्चन नौ दस को नाइन नाइन क्वेश्चन है ठीक है और नौ क्वेश्चन आपके जीरो लेवल से लेके एकदम हार्ड लेवल के सभी क्वेश्चन इसमें मैं, मैंने आपके दिए और एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा ओके तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपको इसमें खुद करके देखिए सबसे पहले खुद पहचानिए कि क्या है बी डी एफ जी बी डी एफ एच जे क्या चीज है ये अगर आप इस सीरीज को रीड करके देखते हो खुद से तो बी सी एक कट गैप हुआ डी ई एफ जी एच आई जे तो ये आपका एक रेगुलर पैटर्न हो गया ठीक है तो जे के बाद अब क्या आएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा एल मैंने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया हैं बाकी में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आप देखते हो तो क्या ये ए जेड बी वाई सी एक साथ जेड भी आ गया वाई भी आ गया बी सी भी क्या रहा है तो अगर आपको देखो कि यहां पर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी ठीक है यहां पे आपको दिखा रहा होगा वाई जेड तो आपके डिक्रीजिंग और इनक्री uh, लेफ्ट से भी चल रही है राइट right से भी चल रही है पोजिशन अगर आप नंबर की देखो तो लेफ्ट लेफ्ट uh, वाली भी चल रही है राइट right वाली भी चल रही है वन टू थ्री और ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स तो क्या होगा इससे पहले आपका ट्वेंटी फोर वाला होगा ट्वेंटी फोर आपका क्या होता है एक्स होता है तो सिंपल एक्स आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी ओके नेक्स्ट होता है ए बी डी जी अब आपको फिर से यहां पे प्रॉब्लम होगी कि एक फिर से क्या आ गया बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूं तो डायरेक्ट वीडियो को देखो मत वीडियो को वहीं पे पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो कि कौन सा आपका क्वेश्चन है ठीक है ए बी डी जी ए के बाद आपका कितना गैप है ए बी ए के बाद आपका कोई गैप नहीं है फिर आपका सी डी फिर आपका एक का एक का गैप है पे एक ओके वन सी डी फिर आपका ई एफ जी तो वन टू तो यहां पे आपका थ्री का आ जाएगा जी के बाद एच आई जे यहां पे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला चल रहा है पहले जीरो था ए बी फिर आपका वन था सी डी फिर आपका टू था ई एफ जी फिर आपका तीन था एच आई जे यहां पे आपका आ जाएगा के ठीक है वन टू थ्री ओके तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सबका ए डी एच एम एस अब फिर से वही प्रॉब्लम भाई फिर से खतरनाक क्वेश्चन आ गया अब क्या क्या करें आपने देखा पोस्ट करके ठीक है तो क्या होगा आपको सिंपल अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हो तो ए बी सी डी बीच में दो का डिफरेंस है तो आप अगर आप डी को देख रहे हो तो आप इसमें का डिफरेंस है फिर इसके बाद आप देखते हो डी ई एफ जी एच तो इसके बाद तीन का डिफरेंस आ रहा है तो दो तीन अगर आप इसमें तीन प्लस करते हो लाइक आप एडिशन करके ले चलते हो प्लस थ्री ए बी सी डी आपका डी आ गया फिर आप प्लस फोर करते हो डी ई एफ जी एच तो फोर पे आ गया प्लस फाइव करोगे आई जे के एल एम तो फाइव पे आ गया फिर प्लस सिक्स करोगे एन ओ पी क्यू आर एस ठीक है फिर आप प्लस सेवन करोगे प्लस सेवन करोगे तो आपका क्या आएगा एस के आपके अपनी पोजीशन को याद करो इस वक्त मैं नहीं बताऊंगा आप बस याद करो या फिर अगर आपने नोट डाउन किया था तो पीछे पेपर पर पे देखो वो आपकी गलती है कि आप सिर्फ वीडियो को देखते जा रहे हो नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो अगर आप प्लस सेवन करोगे तो आपका क्या आएगा प्लस सेवन करोगे तो आपका गायड आ जाएगा आपको क्या करना है जेड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और नहीं आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करो और फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी एजी बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू तो यहां पे गाइस आपकी दो सीरीज एक ही वर्ड में फॉलो हो रही है ठीक है हाँ यहां पे वर्ड बना के आपको सीरीज दी हुई है तो ये देखते हैं सिंपल ये सिंपल वाली है हार्ड वाली भी आएगी अभी चिंता नहीं करो तो ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा ए बी सी डी डी के बाद आपका ई e वाला आएगा अब आपको देखना है कि यहां पे ई e वाला कौन सा है ओ माई गॉड यहां पे आपके ऑलरेडी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं तो अब आपको देखना होगा कि आपका डब्ल्यू से पहले क्या आता है ठीक है आप या तो आपको ए बी सी डी याद होगी तो आप देखो डब्ल्यू से पहले क्या आता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो आपका क्या आएगा वी आता है तो आपको सिंपली देख लेना है जहां पे आपका वी है वी आपका यहां पे है तो ई भी आ रहा है और वी भी आ रहा है तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है शायद मैं सोल्व करा रहा हूं तो काफी ज्यादा इजी लग रही है और बोरिंग भी लग रही हो बट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनको करिए और ये आपका मोर देन इनफ है जितना मैंने पढ़ा दिया और अभी आपका सीरीज पूरी कंप्लीट नहीं हुई है तीन पार्ट अभी और भी बचे हुए हैं चार में से आपका ये एक पार्ट है सिर्फ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स यू आर ओ एल क्स यू आर ओ एल अब यहां पे फिर से प्रॉब्लम की ये क्या आ गया हर बार एक नया क्वेश्चन आता है और हर बार एक नई प्रॉब्लम आती है अब आप इसको यहीं पर स्टॉप करो और सोल्व करके देखो इसको जब भी मैं सोल्व करने के लिए बोलता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि वीडियो को पॉज करके तब सोल्व करके देखो आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखे जा रहे हो अभी भी ठीक है तो अगर आप इसको देख सकते हो शायद अगर आप इसको काउंटिंग की तरीके से लेके जाओ तो आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दिखाई दे रहा होगा ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर लेफ्ट साइड से मूव करते हो या फिर राइट right साइड से मूव करते हो चलिए हम राइट right साइड से ले जाते हैं तो एल के बाद आप अगर डिफरेंस देखते हो तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स तो यहां पे हर दो डिजिट के बाद आपका रिवर्स वाली डायरेक्शन में आपका टू का डिफरेंस है या तो आप इधर से देख लो या आप इधर से देख लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी रिवर्स डायरेक्शन में देखना नहीं आता तो हमें फ्रंट वाली डायरेक्शन में से लेके चलते हैं तो एल एम एल एम एन ओ क्यू आर एस टी यू वीडब्ल्यू एक्स आया समझ में तो अब आपको यहां पे सिर्फ टू डिजिट एड करनी है और इसके आगे भरा ऐड करना है तो क्या होगा आई जेके एल आई जेके एल एम एन ओ आई जेके एल एम एन ओ ठीक है समझ में आ रहा है ना तो यहां पे आपको आई देखना है आएगा आपका ऑप्शन आपका ये रहा ये भी हो गया नेक्स्ट पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आप पोज करो और इसको सॉल्व करके देखो ये क्वेश्चन है ये ऑप्शन है देखते हैं ए बी जी बीसी वाई सी डी एक्स डी ई डब्ल्यू तो फिर से देखो ए बी बी सी सी डी डीई और फिर क्या आएगा आपका ई e, एफ तो अब आपको यहां पे आप डायरेक्टली ई एफ देख लो ई e, एफ का है बाकी की जरूरत है भी नहीं और आपकी इसमें दो नहीं दो सीरीज फॉलो हो रही है इसमें भी आपकी तो आप ई e, एफ देखो पहले आपका ई एफ ना भी नहीं है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है आपका ई एफ है तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन ये हो गया बट आपको स्कोर भी कंफर्म करना है तो आप फिर से कर लो आप कोई एक ये वाली सीरीज भी चल रही है डब्ल्यू एक्स वाई जेड फिर से देख लो आपका क्या आ रहा है तो फिर से आपका आएगा V W X Y Z A B B C C D D E E F हर एक क्वेश्चन में आप देखते हो कि एक अलग पैटर्न फॉलो होता है और एक अलग सीरीज फॉलो होती है ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एटलीस्ट मुझे कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी और अगर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एट ये तो और खतरनाक लग रहा है Y -Z -X -W Y X Z W W V V U U U T -V -S T T S S क्या ये अभी क्या भी वीडियो को पॉज करो और फिर से क्वेश्चन को देखो कि ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं। आपको सिर्फ इसका बीच वाला फाइंड करना है आप इसको रीड करो X Y T U V X Y या फिर आप पहले आप ये मत देखो कि पूरा पूरा आपको रीड करना है आप आप एक कोई भी अल्फाबेट लो चाहे लेफ्ट से ले लो आप राइट से ले लो या लेफ्ट से ले लो आप किसी भी तरफ से ले लो अगर आप देखते हो फर्स्ट फर्स्ट देखते हो सबका एस टी यू वी तो सिंपल सी बात है जो यहां पे आपका फर्स्ट लेटर रहेगा वो आपका डब्ल्यू होना चाहिए ठीक है सीरीज के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एक्स वाई तो अब आप, आप देख लो कि ऑप्शन में आपके डब्ल्यू कहां कहां पर है आप देखोगे कि आपके दो ऑप्शन है जिसमें आपके स्टार्टिंग में डब्ल्यू आ रहा है अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका नेक इन दोनों में से आपका कौन सा आंसर है ये तो आपके पहले ही कट गए इन दोनों में से आपका कोई भी आंसर नहीं है इन दोनों में से आपका एक आंसर है वो कौन सा वाला है अब आपने स्टार्टिंग का देख लिया अब आप ये देख लो वाई जेड क्या है ये एक्स डब्ल्यू एक्स यू वी एस टी यू तो अब आपको देखना है कि बीच में वी होना चाहिए ठीक है एस टी यू अब आपको बीच में वी देखना है बीच में वी किस में आ रहा है इसमें तो नहीं है फिर इसमें आ रहा है ये भी हो गया इतना इजी था टीयू वी और आप ती, तीसरी सीरीज भी देख सकते हो टी यू वी और इसमें हर एक वर्ड में एक सीरीज है ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये वाला और आप क्वेश्चन फाइंड करो और उनको सोल्व करो इसी तरीके से होंगे सारे वीडियो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है नेक्स्ट देखते हैं हम आपका ए बी बी ए बी सी सी बी एबीसीडी इसको देख के तो डेफिनेटली आप डर गए हो आपको समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है ठीक है वीडियो को पॉज करो सोल्व करो देखो सोल्व हुआ तो बताना कि सोल्व हुआ नहीं हुआ तो भी बताना कि नहीं हुआ अब देखो करना क्या ये आप देख सकते हो एक चीज नोटिस करो लाइक एबी तो एबी का यहां पे क्या लिख दिया इन्होंने रिवर्स लिख दिया बी ए बी ए बी ए फिर यहां पे आपका नेक्स्ट सी तो इसका क्या लिख दिया इन्होंने बी ए ठीक है फिर आपका नेक्स्ट है फिर आपका एक और इंक्रीज हो गया डी तो इनको सिंपल यहां पर आपका इसी को उल्टा लिख दो डीसीबीए अब देख लो आपका डीसीबीए है क्या कोई ये आपका ए सीबीडी नहीं ये भी न्यू शुरू हो रहा डी से डी से ये रहा डीसीबीए 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 तो सिंपल सा ये आपका आंसर हो गया इस वेलकम बैक टू जीरो स्टडी पॉइंट और आज हम करने वाले आपके रीजनिंग का सेकंड पार्ट जिसमें आप पढ़ेंगे लेटर सीरीज और कल हम आपका एक पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज था लाइक उसमें एबीसीडी होती है उसके बीच में आपको फाइंड करना होता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए और उसको देखिए उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट का भी लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं तो आज का हम स्टार्ट करते हैं कल के कल के लेसन में हमारी थोड़ी सी थ्योरी पार्ट था बट आज के में इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं है बस इतना ही जितना लिखा है यही थ्योरी है तो पहले देखते हैं फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका जो लेटर सीरीज है वो आपका सीरीज का सेकंड पार्ट है और इसमें दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स व्हिच सर्टन पैटर्न इसमें आपके लेटर्स होंगे वर्ड टाइप लेटर होगा रैंडमली और उसमें आपको फाइंड करना होगा कि नेक्स्ट वर्ड आपका क्या होगा या नेक्स्ट सीरीज क्या होगी आपकी हाओ सम लेटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द सीरीज और आपके सीरीज में से कुछ नंबर मिस होते हैं देन दीज मिसिंग लेटर्स आर गिवन इन द प्रोपर सीक्वेंस एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव और वही ऑप्शन uh, में आपको वहीं पर लेटर्स मिल जाएंगे वर्ड मिल जाएंगे उनमें से ही आपको वहां पर लेटर्स को पुट करना होगा उस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं ये यह आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल ए ए बी स्पेस ट्रिपल ए स्पेस बी बी ए स्पेस अब यहाँ पे से आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सिंपली कुछ नहीं करना ठीक है इसको देखते हो तो बहुत दिमाग घूम जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि करना क्या है ये कि किस तरीके से बनेगी क्या करना है सिंपल से फॉर्मूला इसका सिंपल सबसे इजी अगर आप एक टेंथ क्लास के स्टूडेंट हो और आपको ये चीज नहीं आती ठीक है कुछ नहीं करना आप एक ऑप्शन लो सिंपली और इसको इसमें पुट करो और ट्राई करो जल्दी से जल्दी लिखने का ठीक है ए ए बी स्पेस में आपको एक ये वाला ए रख देना है अगर एक स्पेस है फिर ट्रिपल ए आपका जो लिखा हुआ है यहां पे ठीक है तीन ए लिख दिया आपने फिर आपने क्या लिखा ये वाला आ, फिर आपका सेकंड ऑप्शन क्या है ए यहां पर तीन ए थे फिर आपने ये वाला ए पुट किया उसके बाद आपका बी बी ए एंड देन यहां पे स्पेस में बी ये आपकी कंप्लीट सीरीज बन जाएगी अब आपको सिर्फ इसको रीड करके देखिए ए ए बी ए आपके यहां पे दो ए हो गए एक बी हो गया चार चार पांच ए हो गए पे आपका यहाँ पर भी ए लिखा आपने यहां पर भी ए लिखा तो एक ए तीन ए चार ए तो तीन चार पांच पांच ए हो गए फिर आपने यहाँ पर भी बी था तो आपके दो बी हो गए और फिर आपने लास्ट में ए बी तो ए बी ये आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही तो सिंपल सी चीज है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर नहीं है इसी तरीके से आप बी को भी पुट कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आप अपने बिना पेन को यूज करें शायद आप इस चीज को ना कर पाओ और एग्जांपल सिंपल से आपको एक रफ पेपर मिलता है जहां पर आप इसको जल्दी जल्दी ट्राई करके देख सकते हो बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करते करते आपकी कैपेबिलिटी तेज हो जाएगी आपका माइंड थोड़ा सा तेज हो जाएगा आपका माइंड इसको कैप्चर करने लगेगा टाइम के साथ ठीक है जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे तो आपका माइंड इस चीज को कैप्चर करने लगेगा कि अगर मैं यह वाला ऑप्शन यहां पे रखता हूं तो दो ए चार पांच ए हो जाएंगे फिर दो भी हो जाएंगे फिर ए भी हो, ए भी हो जाएगा तो यह कोई सीरीज नहीं बन रही बट अगर आपके बिल्कुल स्टार्टिंग है तो आप इसको राइट करके देख सकते हो ठीक है हम नेक्स्ट पे पुट करके देखते हैं अपने आप ऐसे ही बिना लिखे पुट करके देखते हैं तो दो ए दो बी ए फिर यहां पर भी आपका ए आएगा तो चार ए दो ए दो बी चार ए दो बी और फिर आपका लास्ट में ए बी तो ये भी आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही है ठीक है नेक्स्ट है आपका डबल ए दो ए फिर आपका बी ए फिर आपका तीन ए फिर आपका ट्रिपल बी फिर आपका ए बी तो ये भी आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही है ध्यान से देखो आ, दो ए फिर बी ए बी ए ठीक है ये वाला बी यहां पे आ जाएगा आपका और फिर आपका तीन ए ऑलरेडी है फिर यहां पे आपका बी आ जाएगा तो दो ए फिर, 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 फिर बी ए फिर तीन ए फिर बी बी तीन बी तो ये आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही है

ओके बी ए तो यहां पे भी आ जाएगा आपका ए फिर आप देखते हो दो बी फिर आपका क्या आ जाता है लास्ट में ए है फिर से ए तो ए ए बी बी चार ए दो बी ए ए तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आपका टू बी फॉलो हो रहा है यहां पर भी दो बी फिर ए का गैप आया फिर दो बी फिर यहां पर आपका डबल ए सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा सॉरी सॉरी तो दो ए बी बी चार ए दो बी फिर दो ए अब ये सीरीज आपकी यहां भी चल रही होगी, यहां भी चल रही होगी, इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहेगी जो बी का आपका पैटर्न होगा वो आपका टू टाइम्स आएगा बट यहां पर ऐसा कहीं भी नहीं होता ना आपका सी। इस सीरीज में वो ना इसमें ना इसमें आप इसको राइट करके देखिए तो अब हम आपका डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सो so गाइस ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपली क्वेश्चन को देखो ये रहे आपके ऑप्शन इसमें आपका कुछ भी हो सकता है ठीक है कोई भी ऑप्शन आपका यहां पे हो सकता है आपको सिर्फ एक पैटर्न पता करना है अगर आप इसको सिंपली रीड करके देखो अगर आप ऑप्शन को देखो भी ना तो यहां पे आपका क्या है ए बी फिर आपका स्पेस फिर बी ए फिर आपका स्पेस फिर ए बी आप ध्यान से देखो तो आपको ए बी बी ए दिखाई दे रहा है अगर आप इसमें डायरेक्टली पुट करके देखो ए बी यहां पे आपका ए आ जाएगा ए बी ए बी फिर आपका यहां पे ए है फिर भी यहां पे आप बी पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी तो यहां पे आपका बी तो आपका जो पैटर्न बन रहा है वो ए बी बी चाहिए आपको अब आप ऑप्शन में कहीं भी देख लो आपका ए बी बी है आपका यहां पे ए बी बी है ये रहा आपका ऑप्शन तो आपका यहां पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपका ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी फॉलो हो रहा है ठीक है, दिया। दिया है। इस तरीके से आप कर सकते हो इस तरीके से भी आप कर सकते हो बट आपके बिल्कुल स्टार्टिंग है आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो आप दूसरा पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो अब आप यहां पर देखोगे कि आपका सेकंड क्या है आप इस सवाल को भी इसी तरीके से एक बार ट्राई करके देखो ए बी ए ठीक है फिर आपके दो यहां पर दे रखे हैं फिर स्पेस है फिर दो ए फिर बी फिर स्पेस फिर ए फिर ए तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा आप एक बार स्टार्टिंग का है रीड करके देखो ए बी ए फिर आपका ए आया अगर आप इसको दो 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 में डिवाइड करो दो में डिवाइड करके देखोगे तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे ये यह चेंज हो रहा है ए ए आ रहा है ओके और ए ए आने पे आप तीन को ले लो उसके बाद अगर आपको नहीं लग रहा दो पे नहीं होगा तो आप ए बी ए लेकर देखते हो ए बी ए ओके अगर आप यहां पर बी पुट करके देखो स्टार्टिंग में अपने आप से बिना ऑप्शन देखे तो ए बी अगर यहां पर पुट करते हो तो ए बी ए आ जाता है फिर आपका ए बी आ गया तो ए बी यहां पर भी आपको क्या चाहिए ए ओके okay? एक बार करके देखो या फिर आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो ऑप्शन में लाइक अगर आप ए बी ए लेते हो तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन लिख के देखो ये जो आपकी सीरीज है इसको आप यहां पे लिखोगे ए बी ए ओके देन ए आप ऑप्शन ए लेते हो तो आपका स्पेस में आ जाएगा ए फिर आपका आ जाएगा ए ए फिर आपका आ जाएगा बी फिर आपका स्पेस में आ जाएगा बी देन आपका आ जाएगा ए फिर आपका स्पेस में, में आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा आपका ए तो आप ये देखते हो कि ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ओके okay, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो ए तो आपका आंसर नहीं है अब आप इसको यहां पे बी फिल करके देखते हो ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए ओके okay. आप देखो अगर आप इसमें ये ऑप्शन वाला सी इसमें पुट करते हो तो यह आ जाता है आपका बी ए बी और आप इसको ऐसे करके देखते हो ए बी ए ए बी ए ए बी ए तो ये आपका एबीए का एक हो गया ठीक है फिर आपका बी एबीए का सेकंड हो गया फिर आपका ये एबीए का थर्ड हो गया फिर ये आपका एबीए का फोर हो गया तो ये वाला जो आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है वो आपका ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए आप इसको जितना काट कर देखोगे जितना इसको जितने ज्यादा पार्ट में आप इसको डिवाइड करके देखोगे आपके लिए सोल्व करना उतना ही ज्यादा ईजी होगा ठीक है अब आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो थर्ड वाला थर्ड वाला आप सिर्फ इसको लो और अपने ऑप्शन लो और करेक्ट सोल्व करके देखो क्या होता है इसमें ठीक है आपके आप इसी वो वीडियो को इसी वक्त यहीं पे पॉज करो देखो और इसमें आप पे सोल्व हो रहा है या नहीं ठीक है अब आप इसको देखते हो चलो इसको इसको भी सोल्व करके देखते हैं अगर आप इसमें ऑप्शन ए पुट करते हो ओके ऑप्शन ए पुट करते हो तो यहां पे आ जाएगा आपका तीन ए हो जाएंगे ट्रिपल ए फिर यहां पे आपके दो बी हो जाएंगे आप इसको पुट करोगे ठीक है दो बी हो गए फिर आपका यहां पे ए हो गया तो ट्रिपल ए टू बी ए तो ये आपका कोई पैटर्न नहीं बना तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में कोई पैटर्न नहीं बनना तो बनने का चांस है ही नहीं हम बी पे चलते हैं अगर आप बी को पुट करते हो ठीक है डायरेक्टली बी को पुट करके देखो डबल ए टू ए बी तो यहां पे ऑलरेडी आपका बी है तो यहां भी बी हो जाएगा यहां भी हो जाएगा तो डबल ए ट्रिपल बी फिर यहां पे आपका सिंगल ए आ गया तो ये ना तो यहां पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है ना यहां पे हो रहा है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा बट अगर आप सी लेते हो सी में क्या दिया हुआ है बी डबल ए डबल बी ओके फिर आप यहां पे से ए लगाओगे ए तो ये आपका फिर से डबल बी हो गया ए यहां पे आपका दो ए हो गया यहां भी तो आपका दो हो गया यहां पे आपका दो बी हो गया यहां भी आपका दो गया तो हम इसको पुट करके देखते हैं डायरेक्टली तो बी ए ए और फिर से ए हम पोर्ट पैटर्न देखते हैं टू ए टू बी टू ए टू बी टू ए टू बी सोल्व हो गया तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और फिर से आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो आप सोल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा ए स्पेस ए बी स्पेस बी ए स्पेस बीबी स्पेस इसको मैं दो मिनट लिए पॉज करता हूं और आप देखो इस वीडियो को आप पोज करो सॉरी आप इसको पोज करो और देखो कि आपका क्या आंसर आता है इन चारों में से आपका क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है ठीक है जो भी आपका ऑप्शन है इसमें आप उसको सोल्व करके देखिए हम इसमें भी डायरेक्ट अगर आप पे नहीं हो पा रहा तो सिंपली बिल्कुल इजी वाला रूल इसमें अप्लाई करते हैं हम सबसे पहला लेके चलते हैं बाबा लिखा हुआ है वाओ ठीक है तो हम देखते हैं बी पुट करते हैं यहाँ पे ए बी फिर यहाँ पर हमारे यहाँ पे हमने बी पुट करा तो ए बी ए बी स्टार्टिंग के चार्ट तो फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट चलते हैं तो फिर यहाँ पे आ गया आपका ए बी ए बी बट यहाँ पे आपका हो गया भाई चेंज यहाँ पे आ गया आपके एक साथ दो ए ठीक है अगर यहाँ पे इसको पुट करते हो ए फिर ए ऑलरेडी है फिर यहाँ पे एक पुट करते हो तो ए ओके बट यहां पे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें आपके दो ए एक साथ आए हुए हैं तो यहां पे आप बी पुट करोगे टू तो ए बी हो जाएगा तो ये आपका पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर है नहीं आप ऑप्शन बी पुट करके देखते हो तो इसमें आपका ए ए ए ओके आपका तीन ए हो गया अगर आप इसको पुट करते हो तो तीन ए हो जाएंगे फिर आपका बी तो आपके तीन बी भी हो जाएंगे ओके अभी तक पैटर्न फॉलो कर रहा है फिर आपका ए फिर आपके यहां पे तीन ए हो जाएंगे फिर आपका बी तो यहां पे आपके तीन बी हो जाएंगे तो ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके तो आप इसको पुट करो ए बी और फिर आपका ए और फिर आपका बी तो तीन ए हो गए तीन आपके बी हो गए तीन आपके ए हो गए और फिर तीन आपके बी हो गए ठीक है ये भी आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है तो बी इज द राइट आंसर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे क्वेश्चन नंबर फाइव पे भी आपको कुछ नहीं करना आप सिंपली इसको रोको वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को देखो सॉल्व करो आप डरो नहीं इस बार आपके तीन आ गए एबीसी तो उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है बस ट्राई करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे डरने की बात नहीं है बहुत ज्यादा ईजी होगा ये भी तीन ही तो पुट करने हैं या फिर दो 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 वर्ड इसमें आपके पुट हो जाएंगे ठीक है ना क्या इसमें आपके तीन गैप हैं तो आपके ए सी पुट होगा बी बी पुट पुट होगा और ए बी होगा मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन ए पुट होगा नहीं इसमें आपके दो दो वर्ड पुट होंगे तो आप देखिए कि क्या क्या पुट होगा सॉल्व करने का ट्राई करिए नहीं होता तो मैं तो करा ही रहा हूं ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और देखते हैं इसमें किस तरीके से सोल्व होता है अगर हम इसमें पुट करते हैं ए बी ओके ए बी हमने यहां पर आपका पुट करा ए सी ए बी सी ए सी ए बी सी ए सी बी ए बी सी ए सी बी तो आपका कुछ पैटर्न फॉलो कर ही नहीं रहा आधा तो क्वेश्चन आपका हो गया ना यहाँ पे आधा हो रहा है आधा बचा है आप यहां बी बेबी -बे पुट कर दोगे तब भी कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में तो कर ही नहीं रहा ना एबीसी ए सी बी एटलीस्ट दो दो या तीन तीन तो होंगे एबीसी ए सी बी या फिर ए बी सी ए फिर बीसी तो ये भी जब भी आपका फॉलो नहीं कर रहा तो ऑप्शन ए क्लियरली नहीं है जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए इजी पड़ रहा है देखो फिर आपका ए बी सी ए तो ए बी सी ए ए बी तब भी आपका फॉलो नहीं कर रहा तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है या फिर आप पूरा पूरा भी पुट करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे अभी अभी कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को पूरा डीपली समझाऊंगा अगर नहीं आ रहा तो बट अगर आ रहा है तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी सी में क्या आपका यहां पे आपका ऑप्शन है ए बी सी यहां पे टू ए आ गया तो ए बी सी ए ए बी फिर आपका बी सी बी ए तब भी आपका कुछ फॉलो नहीं हो रहा रीड करने में रिपीटिशन फील होना चाहिए ठीक है कि ये चीज रिपीट हो रही है बट रिपीटिशन आ ही नहीं रहा तो पहले चीज तो तीन तो आपके है नहीं तो सिंपल सी बात है चौथा आपका ऑप्शन है बट हम उसको सॉल्व करके देखते हैं यहां पे क्या है आपका ए बी सी ओके देन आपका ए ए बी सी फिर आपका ए बी सी अब आप देखोगे कि यहां पे आ रही है आपके एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है आप अगर इसको दोनों को पुट करते हो ए बी सी ए ए बी सी तब भी आपका ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा आप एक को दो को या तीन को इस तरीके से पुट करके देख लीजिए ठीक है ए बी सी ओके फिर आप यहां से एक ए लेते हो अगर तो ए बी सी एबीसी एबीसी आपका फोलो हो रहा है बट अभी आपके पास ये पांच बचे हैं तो अब आपको क्या करना है आप ये दो ले कर देख सकते हो तो यहां पे आ जाएगा आपका ए बी सी आपका आ गया एबीसी ये वाला भी हो गया अब आपका यहां पर ऑप्शन में डायरेक्टली बचा है एबीसी तो आप इसको यहां पुट कर सकते हो एबीसी ठीक है समझ में आया अगर एक पुट करने से नहीं हो रहा दो पुट करने दो दो पुट करने से नहीं हो रहा एक एक पुट करने से नहीं हो रहा तो आप एक दो तीन इस तरीके से पुट कर सकते हो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही पुट करना है या दो पुट करना है ठीक है और सीरीज का मतलब यही है कि रैंडमली आपके पास कुछ भी आ सकता है किसी भी तरीके का पैटर्न आ सकता है ऑप्शन में आपको पैटर्न दिया जा सकता है या फिर ऊपर आपको पैटर्न दिया जा सकता है तो यही आपको चीज डिटेक्ट करनी है कि एक्चुअल में होना क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो ए ए बी सी स्पेस स्पेस बी सी ए स्पेस बी स्पेस ए स्पेस बी सी ऑप्शन में आपके ये चारों दिए तो वीडियो को फिर से पॉज करो क्वेश्चन को लिखो और ट्राई करो कि ये आप पे सॉल्व होता है या नहीं ठीक है आप देखते हो कि यहां पे आपको ऑप्शन में पुट करना है आपके कितने कितने स्पेस है एक दो तीन चार पांच आपके पांच स्पेस हैं पांच ही आपके वर्ड्स दिए हुए हैं ए ए बी सी ए पांच 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 ठीक है तो ये तो पता गया कि एक एक वर्ड ही सब में पुट करना है हम डायरेक्टली सिंपल लॉजिक लेके चलते हैं क्योंकि आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बट इतना हार्ड नहीं है आप यहाँ पे पुट करते हो ए बी सी तो यहां भी आपका हो गया ए ए बी सी पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पे अभी तक तो ठीक है ए ए ए पुट करते हो फिर आपका बी सी आता है ए ए बी सी ए ए बी सी ए ए बी सी ओके फिर आपका आता है सी ए बीसी आता है तो यहां पर बी बी सी यहां तक हो गया आपका ए ए बी सी ए ए बी सी फिर आपका ए फिर यहां पर आप पुट करते हो बी फिर आपका आ जाता है बी तो यहां पे आ जाएगा आपका ए ए बी सी ए ए बी सी ए बी सी ए सॉरी ए ए बी सी ए ए बी सी ठीक है फिर आया आपका ए बी

ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप इन दोनों को फॉलो करो ए ए बी बी सी सी ए ए यहां तक आपका हाफ में पैटर्न ए ए बी सी हो रहा है आपका फिर से वही चीज हो रही है आपका ए ए आ जाएगा यहां पे थर्ड में ए ए ये जबकि आपका ए बी आना चाहिए अगर ये पैटर्न फॉलो होना है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा तो सिंपल सी चीज है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वेट 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 ऑप्शन सी चेक करते हैं एक बार ए ए बी सी देना है आपका और सॉरी ए ए हम इसको पुट करके देखते हैं ए ए ए ए सी ए ए सी फिर आपका ए है आपका सॉरी हमने यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलती कर दी सी फिर आपका ए ए बी सी ए ए बी सी ए ए बी सी ए ए बी सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट रियली वेरी सॉरी ठीक है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इस तरीके से आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि कौन सा है मुझसे भी यहां पे गलत हो गया तो ध्यान रखना इस बात का तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आप देखो एक बार इसको पुट करके ए ए बी सी ए ए बी सी आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो राइटिंग पे मत जाना इस चीज को ध्यान दो ए ए बी सी ए ए बी सी ए ए बी सी ठीक है समझ में आ रहा है आ रहा है तो हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस देखने में इस क्वेश्चन को लग रहा है कि जो भी आपका पैटर्न होगा वो रिपीटिशन होगा लाइक यहां तो यहां पे ट्रिपल ए हो सकता है या ट्रिपल बी हो सकता है या ट्रिपल यहां पे चार सी हो गया यहां पे डी हो गया तो ये जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन रिपीट मतलब मतलब ए बी स्की रिपीट होने वाली है और ये पता करना है हमको कि कितने बार रिपीट होने वाली है तो यहां पे अगर हम ए को पुट करके देखते हैं ऑप्शन ए है, ट्रिपल ए हो जाएगा ट्रिपल बी हो जाएगा ट्रिपल बी नहीं होगा यहां पे आपके चार बी हो जाएंगे ट्रिपल ए चार बी ओके फिर ट्रिपल चार सी हो गए चार सी के बाद आपको थर्ड में फिर से सी पुट करना है तो डी सी बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लग रहा है आपको यहां पे डी आना चाहिए बट यहां पे थर्ड ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ है ठीक है अगर आप देखो तो थर्ड में सी है बट यहां पे आपका डी है तो यहां पे आपके चार डी होने चाहिए तो हमको क्या करना है हम डायरेक्टली इस तरीके से फोर्स देख सकते हैं कि डी किस किस में है डी इन दोनों में है ठीक है थर्ड में आपका डी है तो हम डायरेक्टली इन दोनों को निग्लेक्ट कर सकते हैं सिंपल सी चीज है कर सकते हैं क्योंकि अगर यहां पे हम फिर से सी रखेंगे तो हमारा ये डी का फोर वाला पैटर्न कट जाएगा क्योंकि यहां पे आपका फोर का पैटर्न यूज हो रहा है तो सिंपल सी चीज है यहां भी आपका फोर का पैटर्न यूज होगा और आगे इस तरीके से ही होगा तो हमको देखना है कि हमारा इन दोनों में से कौन सा आंसर है फिर से हम स्टार्ट करते हैं ए ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल यहां पे हमने ए पुट किया ठीक है अब इस बार हम नीचे करके देख लेते हैं ए बी डी ओके देन आपका बी देन आपका सी आप देख सकते हो यहाँ पे तीन का पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे आपका चार का पैटर्न फॉलो हो रहा है फिर चार का पैटर्न फॉलो हो रहा है फिर चार का पैटर्न फॉलो हो रहा है बट ये वाला पैटर्न आपका टूट गया क्या हाँ बिल्कुल टूट गया यहाँ पे आपका सी आना चाहिए था और यहाँ पे आपका ना बी आना चाहिए था अगर यहाँ पे सी और बी हमको चाहिए तो हम देखते हैं कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है गाइस मेरे को पता है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि थोड़े से मुश्किल है ये क्वेश्चन को सोल्व करना बट ऐसा नहीं है जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आते जाएंगे हमने सात क्वेश्चन कर लिए हम थोड़े से और करते हैं दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज अभी के अभी इस पर लाइक कर दो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी सीख लें तो अभी के अभी इस लाइव वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और वो भी देखते हैं हम मूव करते हैं आपके एट्थ क्वेश्चन पर और गए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके सीरीज में जो कि आपको पूरा हिला देंगे लाइक एग्जाम में आप जाओगे आप उस क्वेश्चन में कम से कम पंद्रह मिनट भी अगर दिमाग मार लोगे तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेगा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ठीक है और आप लगते हो कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा सीरीज का इतना इजी सा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगा देते हो और सोचते नहीं हो कि वो चीज कितनी ज्यादा इजी दी हुई है तो एट नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो इसी तरीके का थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना एक कॉमन सेंस लगाना है छोटी सी ट्रिक यूज करनी है और आपको यह समझ में आ जाएगा कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो सीरीज के तो आप सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि उसमें कॉमन सा क्या है ठीक है जब भी आपको कोई हार्ड वाला क्वेश्चन दिखे लाइक like ये वाला आप अभी सब देख रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ठीक है बट आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज देखनी है सिर्फ अगर आप इसको देखो तो ओवरऑल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर तो सीधी सी बात है फोर से आपका डिवाइड हो रहा है डिवाइड पे हमको नहीं जाना तो अगर आप इसको रीड करो तो आपके इसमें चार लेटर्स यूज हो रहे हैं ए बी सी डी ओके okay. अगर आप स्टार्टिंग के ए डी बी में जाओ ए डी बी अगर आप यहां पे सी पुट कर देते हो ठीक है क्योंकि सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी पैटर्न फॉलो होगा ट्वेंटी फोर नंबर्स का जो कि फोर से आपका डिवाइड हो रहा है ठीक है जो कि आपसे फोर का जो कि आपका फोर से डिवाइड हो रहा है उसमें आपके हर चार में या तीन में कोई ना कोई लेटर दोबारा से रिपीट होना चाहिए ओके अगर आपको यहां पे इसको कंप्लीट बनाना है तो पांच का तो होने से रहा पांच तो होगा नहीं मतलब चार में वो लेटर दोबारा से रिपीट मतलब नहीं होना चाहिए ओके तो ए बी सी ए डी बी अगर यहां पे आप सी पुट कर दो और आप लास्ट से भी देखो ए डी बी सी ठीक है आपके लास्ट के चार देख रहे हो कि चार में जब आप देखते हो कि तो चारों लेटर आ रहे हैं यहाँ पे आप पुट करते हो सी ओके सी है ये फिर आप देखते हो कि नेक्स्ट के चार में आएगा आप इसको काट दो यहां से ऐसे ए डी बी सी अब आप फिर से चार देखो ए सी बी डी ओके नेक्स्ट क्या आपको ए बी सी डी ओके डी सी बी ओके, डी बी सी ओके अब आपको देखना कि आपने क्या क्या पुट करा सी बी बी ए सॉरी डी सी बी ए आपको कहा सी बी बी ए सी सी से कौन सा आपका स्टार्ट हो रहा है सी से आपके दोनों स्टार्ट हो रहे हैं आपको देखना है सी बी सी बी ओके B ओके ओके B, okay. B, B, okay. A ओके. ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है अब आपको इसमें एक चीज और देखनी होगी देखो देखनी नहीं होगी मतलब मैं दिखाता हूं आपको ए बी सी डी ए डी बी सी ए डी बी सी ए सी बी डी ए सी बी डी ए बी सी डी ए बी सी डी तो ये जो आपका नंबर है ये आपका जो भी वर्ड है वो आपका फॉलो कर रहा है क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है हेयर लेटर्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द सेम सीरीज ठीक है तो ये इस चीज को थोड़ा सा ओपनली मार्क्स अगर सोल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं भले आपके टेन क्वेश्चन के अंदर बट आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं है। ये नहीं की बस स्टार्ट करिए और आपको इजी उजी क्वेश्चन दिखा दिए और आपको बोल दिया कि देखो आप पे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आपको रीजनिंग आ रही है नहीं मेरा मोटिव यही है कि अगर आपका कोई भी एग्जाम है अगर आपकी उस एग्जाम में सीरीज आती है तो आपको पता हो कि सीरीज किस हद तक जा सकती है ठीक है और ये जो आपके क्वेश्चन है आपको एस एस सी चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी जाइए डी और एम टी एस जो भी आपका एग्जाम है जो भी आर को कोई भी एग्जाम एन ग्रुप डी उनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस चीज को याद रखना मैं ऐसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आपको जो एग्जाम में नहीं आए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं अब दे बात करते हम आपके क्वेश्चन नंबर नाइन की क्वेश्चन नंबर नाइन को आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए जब भी आपका कोई क्वेश्चन ठीक है जब भी आपका कोई क्वेश्चन बड़ा होता है लाइक like, बहुत सारे नंबर्स उसमें होते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बहुत सारे डिजिट्स होती हैं तो आप उसको पहले काउंट भी करके देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अगर आप इसको भी फोर से डिवाइड करो तो आपके चार चार में हो गए और अब आप कहीं पर भी चार जाओ पैटर्न देखो चार यहाँ पे दे यहाँ पे दे यहाँ पे दे यहाँ पे पांच दे, पे दे, पे दे अब आप इसको रीड करके देखो ए बी बी सी बी बी सी ए ठीक है बीबीसी ए यहां पर आपका बीबीसी फॉलो हो रहा है अगर यहां पर आपका ए आया तो आपका क्या हो जाएगा ये दोनों पैटर्न का यहां पे आपका फॉलो हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसमें आप देखो कि सेकंड में यहां पे आपका ए कहां पे आ रहा है सेकंड में ए यहां पे नहीं है यहां पे नहीं है यहां पे है यहां पे भी है अब आप एक बार इस वाले इन दोनों को यहां पे पुट करके देखो कि यहां पे आपका क्या आ रहा है अगर आप पुट करते हो तो बी सी ए बी ठीक है बी सी ए बी आ रहा है आपका यहां पर फिर यहां पर क्या है आपका बी सी ए बी अब आपका बीबीए बी बी की जगह कौन सा पैटर्न फॉलो होने लगा ये वाला न्यू पैटर्न आपका यहां पे आ चुका है तो बीसीए बी ओके बीसीए बी हो गया बीसीए बी फिर से बीसीए बी हो गया यहां पे आपका बीसीए फिर से आपका बी हो गया ओके ये तो आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है बीसीए बी फिर से आपका बीसीए बी हो गया लास्ट में आपका सीबी बचा बीसीएबी तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और ये हो गया आपका बीसीए बी ओके इस तरीके से आप जल्दी भी सोल्व कर पाओगे फिर से आपको हेल्प मिलेगी ज्यादा दिमाग लगाए बिना ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार सोल्व करके देखिए वीडियो को पोस्ट करके वीडियो को क्वेश्चन जब भी मैं कराता हूं तो यार एक कॉपी पेन लेके बैठा करो और वीडियो को बार बार पोस्ट करके देखा करो कि क्या चल रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा ठीक है तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की और क्वेश्चन नंबर टेन अगर आप देखते हो तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा मुश्किल पैटर्न फॉलो नहीं और आप खुद से एक बार नंबर्स को काउंट करो और देखो इस चीज को नोटिस करो कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे फॉलो कर रहा है अगर आप पर ये चीज नहीं हो पा रही पैटर्न फॉलो करने वाली तो आप सिंपली एक चीज करो आप ए से लेके बी से लेके ए से डी से सी से कोई भी एक बार वो डिजिट को यहाँ पे प्लेस करके देख लो यहाँ पे जगह है तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो ए सी हमने ये वाला पुट किया स्पेस में ए फिर हमने सी ए बी स्पेस ए फिर बी ए सी ए फिर आपका स्पेस में सी फिर आपका ए बी ए फिर आपका स्पेस में बी फिर ए सी ए सी ठीक है अब आप इसको रीड करके देख सकते हो ए सी ए सी ए बी ए बी आपका पैटर्न ए सी ए ए हो गया फिर आपका ए बी ए बी हो गया फिर आपका ए सी ए सी हो गया फिर आपका ए बी ए बी हो गया क्वेश्चन आपका बड़ी जल्दी सोल्व हो गया ये वाला तो ठीक है तो ये हो गया आपका न्यू पैटर्न ए सी ए बी ए सी ए सी ए बी ए बी एसी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी इट इज दैट इजी ठीक है भाई और जो भी है आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आया और आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दो वीडियो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज एक... गाइस वेलकम बैक टू जीरो स्टडी पॉइंट और आज हम करने वाले हैं आपके सीरीज का पार्ट थ्री सीरीज आपका एक रीजनिंग का टॉपिक है और इसके अभी तक हम आपके दो पार्ट कर चुके हैं हमने सीरीज को चार पार्ट्स में डिवाइड किया था एक जो था आपका एक अल्फाबेटिकल सीरीज था एक आपका वर्ड सीरीज था एक आपका नंबर सीरीज है और एक आपका मिक्स सीरीज है तो ये आपका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आपका नंबर सीरीज पढ़ेंगे हम अल्फाबेटिकल और वर्डिक वर्ड वाली सीरीज आपके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन आ, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप उन दोनों को जरूर देख लीजिएगा और आप उन दोनों को देखने के बाद इसको देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा बट अगर आप उसको नहीं देखते हो तो भी ये क्लियरली समझ में आने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको रीजनिंग में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको सीरीज के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा उसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी टाइप की रीजनिंग को करने के लिए और सभी अपडेट्स पाने के लिए एग्जाम के क्योंकि हम जो रीजनिंग करेंगे वो आपके किसी भी एग्जाम के हेल्पफुल होगी आपके डीआरडी जेई एस एस सी सी एच एस एल आरआरबीसी ये जो आपके रीजनिंग के मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ ये आपके सभी कॉमन टॉपिक्स हैं सबसे सब पहले हम कॉमन टॉपिक्स कराऊंगा और जब टॉपिक्स थोड़े से अलग अलग होंगे तो मैं आपके एग्जाम वाइज डिवाइड भी कर दूंगा उनको ठीक है तो जो जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं पहले वही पढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में देखा था कि बहुत सारी थ्योरी थी और फिर आपके वर्ड वाली सीरीज में भी थोड़ी सी थ्योरी थी बट नंबर का मैं आपको बता दूं नंबर में कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं और कोई एक सर्टेन पैटर्न नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपका हर एक हर बार एक अलग पैटर्न होगा ठीक है तो जब भी आपको क्वेश्चन करना है सीरीज को इजिली सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका यह होता है कि आप अपना माइंड ओपन करो सिंपल आप क्वेश्चन को रीड करो बिना ऑप्शन को देखे ठीक है सिंपल आप क्वेश्चन को रीड करो और पता करो कि उसमें क्या पैटर्न चल रहा है क्या ये हो या तो ये हो सकता है कि उसमें प्लस हो रहा है या फिर उसमें माइनस होता है, हो सकता है कि दो डिजिट्स के बीच कितने डिजिट्स का डिफरेंस है या फिर उसमें डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या एडिशन हो रहा होगा और स्क्वायर हो रहा होगा क्यूब हो रहा होगा ऐसी चीजें ही सिर्फ आपकी रीजनिंग में होती है ठीक है तो ये यही चीज आपको चेक करनी होगी नंबर सीरीज में कि क्या होता है तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आप सिर्फ इसको नोटिस करिए इस ऑप्शन को भूल जाइए कि ऑप्शन नाम की कोई चीज भी है तो आप इसको जब देखते हो तो आपका जो फर्स्ट है यह एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन जब आप इसको रीड करते हो तो इन दोनों के बीच में आप चेक करो कि कितनी डिजिट्स का डिफरेंस है 18, 19, 20, 21 तो मतलब थ्री का डिफरेंस है ओके हमने थ्री ऐड कर दिया तो 21 आ गया फिर हमने थ्री प्लस करा तो 27 आ गया ये तो अच्छा है फिर हमने फिर से प्लस थ्री किया तो ट्वेंटी सेवन आया ट्वेंटी सेवन गया तो हम प्लस थ्री करेंगे तो थर्टी होना चाहिए थर्टी ऑप्शन में ये रहा आपका तो ये आपका करेक्ट आंसर है अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे हो कितना इजी सा क्वेश्चन है छोटू सा क्वेश्चन है समझ में आ रहा है ये भाई आपके स्टार्टिंग है मैं आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन आगे वीडियो में कराने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आगे मूव करते हैं आगे आप एक क्वेश्चन देखते हो कि अचानक से एक बहुत बड़ा नंबर आ गया जहां पे शायद जिन्होंने आज तक कभी सीरीज नहीं करी उनको देख इसको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बट रिलैक्स रिलैक्स जो भी आपसे यहां पे बोला उसी चीज को यहां पर आपको फॉलो करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना आपको सिर्फ इन नंबर्स को रीड करना है और पता करना है इन सभी के बीच में क्या रिलेशन है कितनी डिजिट्स का डिफरेंस है और हमको उसी तरीके से उस पैटर्न को वो जो पैटर्न हमको समझ में आ रहा है वो पैटर्न हमारा नेक्स्ट दो नंबर के बीच में फॉलो हो रहा है या नहीं ठीक है यहां पे आपके जो नंबर्स है वो है आपका एट हंड्रेड एंड एटी फाइव जब आप नेक्स्ट देखते हो तो ये आपका एट हंड्रेड एंड सेवनटी आप जब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हो तो यहां पे आपका जो डिफरेंस है वो आपका फिफ्टीन नंबर्स का डिफरेंस है लाइक अगर आप एट हंड्रेड एट्टी फाइव में से फिफ्टीन को माइनस करते हो तो यहाँ पे आपका एट हंड्रेड एंड सेवेंटी आता है आप फिर से यही चीज करके देखते हो तो आपका 855 आ जाएगा ठीक है जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले सोचा वो नेक्स्ट में भी फॉलो हो तो जब ऐसा नेक्स्ट में फॉलो नहीं होगा दैट मीन्स वो पैटर्न नहीं लग रहा बट आपका नेक्स्ट में भी फॉलो हो रहा है तो फिर आप आप फिर से आगे करके देखिए अगर आप वन सॉरी वन अगर आप 855 में से 15 माइनस करके देखोगे तो आपका 840 फोर्टी आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि यही पैटर्न मेरा फॉलो हो रहा है मुझे सिर्फ 15 उसमें से माइनस करना है 15 डिडक्ट करना है और हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा तो आप अगर आप इसमें से 15 माइनस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा आपका आंसर बताइए सोच के देखिए आपका आंसर आएगा 25 फाइव एट अगर आप यहां पे देखते हो तो आपका आंसर ये एट हंड्रेड ओके हम अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में देखना है आप सिंपली वीडियो को यहीं पे पॉज करो क्वेश्चन को अपने पेपर पे लिखो जब भी आपकी क्लास स्टार्ट गाइस डेली आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो डेली रात को आठ बजे स्टार्ट हो जाती है तो आठ बजे आप एक ऐसा ए फोर साइज शीट लेकर बैठ जाए अगर एक पैन लेके और जो जो क्वेश्चन होते हैं उनको आने से पहले सोल्व करके देखा करो फिर वीडियो को कंटिन्यू करा करो और फिर देखा करो कि मैं उसमें क्या बता रहा हूं अगर आप पे सोल्व हुआ तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो देखो कि मैं उसमें क्या तरीका बता रहा हूं किस तरीके से वो सोल्व हो रहा है हमारा तो नंबर ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एटी वन इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है पता ही नहीं चल रहा कि पहले थ्री था फिर नाइन था इतनी जल्दी ट्वेंटी सेवन आ गया फिर एटी वन और ये तो पता नहीं क्या ही हो रहा है ठीक है तो यहां पर आपको यही प्रॉब्लम फाइंड करनी कि इसमें हो क्या रहा है अगर आप इसको रीड करते हो थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन ठीक है थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन आप करोगे तो क्या आएगा एटी वन आएगा क्या नहीं आपका थ्री अगर आप ट्वेंटी सेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा थ्री सेवन से ट्वेंटी जो भी आपका नेक्स्ट नंबर है उसको आपको थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक नंबर को आपको थ्री से ही मल्टीप्लाई करना है ये ऐसा नहीं करना थ्री को नाइन से फिर नाइन को ट्वेंटी सेवन से इस तरीके से नहीं करना आपका ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है आपका इसमें ये पैटर्न फोल रहा है पहले आप खुद थ्री को थ्री ने खुद से किया थ्री इंटू थ्री ठीक है फिर थ्री ने नाइन से किया थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन फिर थ्री ने ट्वेंटी सेवन से किया थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू एटी वन फिर थ्री से किसको मल्टीप्लाई करना है आपको थ्री को एटी वन से मल्टीप्लाई करना है थ्री को आप एटी वन से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री वन जाए थ्री ठीक है ये तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो अगर आपको पूरा मल्टीप्लाई हो भी नहीं रहा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है ही नहीं एटी वन इंटू थ्री करना ही नहीं है आपको सिर्फ वन लिखा है लास्ट में तो थ्री वन जे थ्री आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में लास्ट में थ्री आया हुआ ये है तो ये आपका आंसर आ गया और अगर आपको करके देखना है तो आपका माइंड इतना ज्यादा कैलकुलेटिव है आप कैलकुलेट कर सकते हो माइंड में तो देखो थ्री एट जो ट्वेंटी फोर थ्री वन जे थ्री थ्री एट जो ट्वेंटी फोर ये आपका आंसर आ गया इजिली ठीक है अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव और गाइज डरियम मैं इस वीडियो के नीचे एक ब्लॉग का लिंक दूंगा मैंने आपका एक ब्लॉग बना दिया जहां पर मैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम पोस्ट कर दिया करूंगा जहां से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो और वहीं पर आपके जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जितने भी होंगे वो सभी आपके डेली जो मैं यहाँ पर वीडियो में पोस्ट करता हूं उसके बाद आपको वो वहां पर भी जाकर मिल जाएंगे इसलिए इसकी वजह से आपको ना तो पीडीएफ बहुत सारी सेव करके रखनी होंगी फोन में जब भी आपको रीड करना हो आप डायरेक्ट ब्लॉग पर जाकर पढ़ पाओगे ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव अब फिर से वही प्रॉब्लम अब एक और नया पैटर्न अब यहां पे नया था यहां पे नया था यहां पे नया था कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है ये बड़ी हेडेक हो गई आपके लिए ठीक है तो अब यहां पे आप फिर से वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो कि क्या चीज हो रही है इन दोनों के बीच में कितने डिजिट का डिफरेंस है थ्री का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में फाइव का डिफरेंस है ओके इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में सेवन का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में नाइन का डिफरेंस है अब आप यहां पर नोटिस करो तो यहां पर जो आपका पैटर्न चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है थ्री का डिफरेंस फाइव का डिफरेंस सेवन का डिफरेंस नाइन का डिफरेंस और ये जब आप नंबर नोटिस करते हो तो ये आपके किस तरीके के नंबर है ये आपके और नंबर हैं अगर आप प्लस इलेवन करते हो इसमें यहां पे तो आपका क्या आएगा आंसर थर्टी सिक्स ठीक है सिंपल से आप उसको जितना ज्यादा सिंपल बनाओगे वो आपके लिए उतना ज्यादा सिंपल होता जाएगा बट अगर आप उसी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे कि ये तो इतना इतनी जल्दी हाँ पे इतने सारे नंबर बढ़ गए यहां पे कम हो गए क्या हो रहा है ऐसा होता है रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जब तक आप अपने माइंड को ओपन नहीं रखोगे और ओपन माइंड से क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचोगे तो वो नहीं होगा और सबसे इजी चीज ये होती है कि आप ऑप्शन को देखो ही ना आप पता करो कि सीरीज पे पैटर्न क्या फॉल अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो आप ये सोचते हो कि ये लगा के देख लो ये लगा के देख लू ये लगा के देख लो नहीं आपको ये नहीं करना आप सिंपल अपने क्वेश्चन को देखो और उसके पैटर्न को फॉलो करो जो आपका आंसर आता है उसको देखो कि अगर वो ऑप्शन में है तो आपको पता चल जाएगा सिंपली आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया अब नेक्स्ट फिर से न्यू पैटर्न यहां पे न्यू पैटर्न फॉलो हो रहा है आप इसको देखते हो तो टू हंड्रेड सिक्सटीन टू हंड्रेड ट्वेंटी वन फिर थर्टी वन फिर फोर्टी सिक्स फिर सिक्सटी सिक्स आप अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हो तो अगर आप देखो तो एक स्मॉल डिजिट है एक बड़ी डिजिट है इससे तो इन इन दोनों के बीच में फाइव का डिफरेंस है अगर आप 216 हंड्रेड प्लस फाइव करते हो ओके तो आपका 221 हो जाता है तो आपने फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा इन दोनों के बीच में टेन का डिफरेंस है आपका यहां पर फाइव वाला तो नहीं चल रहा ठीक है तो आपको क्या करना है नेक्स्ट पे मूव करके देखना है यहां पे कितना डिफरेंस है यहाँ पे 15 का डिफरेंस है तो अब आपको पता चलेगा 15, 20, 25. अब आपको सिंपली इसमें 25 को प्लस कर देना है अगर आप इसको इसमें 25 प्लस करते हो तो आप देखो आपका क्या आंसर आता है ठीक है आप इसमें 25 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 291. तो आपका आंसर है इसमें टू नाइनटी ऑप्शन डी तो आपका ये क्वेश्चन सो, भी सोल्व हो गया ठीक है पैटर्न समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूं पहले फाइव प्ल, प्लस किया फिर टेन प्लस किया फिर फिफ्टीन प्लस किया फिर ट्वेंटी प्लस किया फिर ट्वेंटी फाइव प्लस किया ओके जैसे यहां पे आपका 3, 5, 7, 9, उसी तरीके से ठीक है है और अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है अभी तक और इजी लग रहा है सोल्व करना अगर बहुत ज्यादा इजी लग रहा है तो भी बताओ और समझ में नहीं आ रहा तो तो जरूर बताओ ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं हम और ये है आपका इलेवन सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री थर्टी टू और फोर्टी थ्री अब फिर से वही प्रॉब्लम एक और नया पैटर्न आ गया अब आपको फिर से वही चीज करनी है कुछ नहीं करना हर क्वेश्चन में सेम चीज फॉलो करनी है भले ही आपका पैटर्न अलग हो तो आपको पता चल जाएगा आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है तो आपको देखना है कि यहां पे क्या है इलेवन uh, में फाइव प्लस करोगे तो सिक्सटीन आ जाएगा इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है फोर प्लस थ्री दैट मींस इसमें आपका सेवन का डिफरेंस है फाइव सेवन ओके इन दोनों के बीच में आपका कितना डिफरेंस है ट्वेंटी थ्री तो इन दोनों के बीच में आपका नाइन नाइन का डिफरेंस है तो आप अगर लिखते भी जाओ फाइव सेवन सॉरी फाइव सेवन नाइन इन दोनों के बीच में आपका नाइन का डिफरेंस था ना ठीक है फिर आप इसके आगे यहां पे देखते हो तो इसमें आपका कितना डिफरेंस है यहां पे आपका इलेवन का डिफरेंस है तो आप सिंपल से क्या करोगे आप सिंपल से एक चीज करोगे क्या इसके आगे का एक पैटर्न देखोगे कि क्या आना चाहिए जब आप देखोगे तो फाइव सेवन नाइन इलेवन तो नेक्स्ट क्या आएगा नेक्स्ट आएगा, आएगा आपका थर्टिन ओके आप इसमें थर्टिन प्लस करोगे तो थर्टिन को प्लस करने पर आपका क्या आंसर आएगा थर्टिन को प्लस करने पर आपका फिफ्टी सिक्स आएगा अब ये जो चीज है ये आपको पता करना होगा कि ये कौन सा नंबर है कैसा नंबर है ये मैं ऑलरेडी अभी अभी ऊपर नीचे कहीं पर बता चुका हूं ठीक है तो देखो उसको जाके अगर ध्यान नहीं दे रहे थे तो भूल गए वीडियो को बैक करो और देखो अब यहीं कहीं पर यही वाला पैटर्न फॉलो हुआ था तो वही इसी टाइप का ये क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी एट फोर्टी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि हमने नाइनटीन क्यों नहीं ऐड किया ठीक है नाइनटीन हमने गाइस इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यहां पर अगर आप नाइनटीन ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा सिक्सटी फोर बट यहां पर सिक्सटी फोर आपका दिया हुआ ही नहीं है तो आपको फिर उसके आगे नेक्स्ट नंबर पे मूव करना होगा जो कि आपका होता है ट्वेंटी वन ठीक है और अब हम बताए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट अब क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा सा ट्रिकी है ये थोड़ा सा हार्ड होने जा रहा है तो इस वीड़, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तीनों को और स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करना सबसे पहले आप देखते हो 64 फिर 144 फिर 256 फिर 400 इतना हार्ड सा देखने में लग रहा है बट 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 बहुत ईजी है अगर आप 64 को ध्यान से देखो तो 64 का मतलब क्या होता है 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर ठीक है 64 का मतलब होता है 8 स्क्वायर एट एट जाए सिक्सटी फोर का स्क्वायर क्या होता है गाइस ठीक है नेक्स्ट है आपका टू फिफ्टी किसका स्क्वायर होता है टू आपका सिक्सटीन का स्क्वायर होता है ओके okay, नेक्स्ट आपका 400 400 आपका किस चीज़ का स्क्वायर होता है 400 आपका 20 का स्क्वायर होता है तो यही चेक अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा बट अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट आप पे आप पे सोल्व ये तब भी हो जाएगा ओके okay? तो अब आपको यही पता करना है कि पहले तो इनके बीच में आप पहले अब आप एक सीरीज में चीज यह है कि अब आपको ये देखना है पहले एट प्लस फोर ट्वेल्स फो, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर तो अब आपको ट्वेंटी फोर का स्क्वायर देखना है ट्वेंटी फोर का स्क्वायर क्या होता है ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होता है आपका फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स तो यह आपका करेक्ट आंसर है अब वही चीज आपको नाइन क्वेश्चन में देखने की नाइन में आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन भी आपका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है अब आप बस इसको ध्यान से देखिए इसमें भी आपका कुछ स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड है क्वेश्चन को रोकिए जब आप देखते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर वन में क्या है थोड़ा सा शायद आप पर सोल्व ना हो तो वीडियो को रोक लेना पहले सोल्व करना फिर देखना इसको आगे मैं बता देता हूं तो इन्होंने क्या है वन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन ओके देन है आपका आप फाइव देखते हो तो टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या क्या होता है वन होता है और फिर प्लस वन गया तो यहाँ पे आपका टू आ गया नेक्स्ट आप देखते हो तो फाइव है तो टू का स्क्वायर क्या होता है टू टू से फोर प्लस वन फाइव नेक्स्ट क्या होगा आपका करके देखिए नेक्स्ट देखिए कि किस चीज का स्क्वायर लगेगा जब वन आ रहा है यहां पे टू आ रहा है तो यहां पे ऑब्वियसली से थ्री आएगा और थ्री का स्क्वायर होता है आपका नाइन एंड प्लस वन तो यहां पे आपका टेन आ गया नेक्स्ट हो जाएगा आपका फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फोर फोर सिक्सटीन ठीक है स्क्वायर सिक्सटीन प्लस वन तो ये हो गया आपका यहां पे सेवनटीन सिंपल सा आप नेक्स्ट क्या नेक्स्ट आपका फाइव आएगा फाइव का जब आप स्क्वायर करोगे तो ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सिक्स होना चाहिए आपको देखना है यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स है हाँ यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स है आपका आंसर करेक्ट ठीक है सिंपल सी चीज जब आप सीरीज को बिना ऑप्शन देखे सोल्व करोगे तो आपके सोल्व करने के और आंसर करेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस आपका क्वेश्चन नंबर और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है तो तो इसको देखते हैं 2, 10, 30, 68. फिर से वही प्रॉब्लम एक न्यू सीरीज आ गई है है तो अब आपको यहीं पे देखना है कि क्या करना है ओके okay, तो इसमें देखना है आपको कि किस तरीके से सोल्व होगा इस क्वेश्चन को आप करिए टाइम लीजिए थोड़ा सा बिल्कुल इसी तरीके से होगा या तो क्यूब हो सकता है या फिर स्क्वायर ही हो सकता है स्क्वायर में दो प्लस करे हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं अगर आप देखते हो तो वन क्यूब प्लस वन वन का कुछ कुछ भी कर लो तो वन का तो वन ही रहेगा वन प्लस वन टू ओके नेक्स्ट आप देखते हो वन के बाद आता है आपका टू का अगर आप क्यूब करते हो तो क्या आएगा टू टू जो टू जट प्लस टू तो आ गया आपका टेन टू इंटू टू फोर एंड फोर इंटू टू एट एट प्लस टू क्या होगा आपका टेन अब ये वाली सीरीज इसमें आपकी फॉलो हो रही है टू के बाद आपका क्या जाएगा? आ जाएगा थ्री आ जाएगा थ्री का क्यूब करोगे थ्री थ्री जैन नाइन और नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री थर्टी थर्टी हो गया आपका यहां पे आपका थर्टी है इसके बाद आपका फोर आ जाएगा फोर का हो जाएगा फोर का क्यूब प्लस फोर दैट इज सिक्सटी एट उसके बाद आपका फाइव का हो जाएगा फाइव का क्यूब प्लस फाइव फाइव इंटू फाइव दैट इज ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव एंड वन ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू वन थर्टी तो यहां पे आपका वन थर्टी आंसर आ गया अब आपको देखना है कि ऑप्शन में आपका वन थर्टी है जी आपका वन थर्टी ऑप्शन में है तो इस तरीके से आप रीजनिंग को इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है रीजनिंग इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो रीजनिंग में बस आपका एक छोटा सा कॉमन सेंस लगना है और आप माइंड को जितना ज्यादा ओपन करके फ्री बैठ के सोचोगे उतना जल्दी और इतना उतना ही ज्यादा इजिली आपकी रीजनिंग सोल्व हो जाएगी अगर आप उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे उसमें आप रॉकेट साइंस लगाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो आपकी गलत हो जाएगी ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्यूब्स थोड़े से याद कर लीजिए 20 या थर्टी तक और स्क्वायर्स भी याद कर लीजिए क्योंकि रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं और जब आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स याद नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है तो आप देख सकते हो कि ये आपका क्वेश्चन है ठीक है f माइनस वन जी माइनस थ्री जे माइनस फाइव और o माइनस एट अब आपको इस सीरीज को फॉलो करना है कि आपका क्या आंसर नेक्स्ट आना चाहिए जब आप देखते हो कि f जो आपका नंबर है वो आपका सिक्स पे आता है ठीक है सिक्स पे कैसे आता है a b c d e f न टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपका सिक्स पे आता है ओके okay? नेक्स्ट आपका जी है जी आपका कितने पे आता है एफ जी जी आपका सेवन पे आता है ठीक है नेक्स्ट है आपका जे जे आपका कितने पर आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये आपका टेन पे आता है अब आपने इतना ही करने के बाद आपको नोटिस करना है आपको सीरीज जब आप हाफ सोल्व हो जाए तो आप ट्राई करो कि आप सीरीज को अपना देख सको किस तरीके से वो पैटर्न फॉलो कर रही है किस तरीके से फॉलो कर रही है यहां पे सिक्स था यहां पे आपका सेवन था जो माइनस में वन लिखा है ना आप अगर इसको प्लस कर देते हो तो आपका नेक्स्ट वर्ड आपको मिल जाता है ओके जब आप इस वाले सिक्स को प्लस कर देते हो यह वाला सिक्स आपका यहां से आया इस बात को ध्यान रखना ठीक है इसमें प्लस कर देते हो तो आपका सेवन आ जाता है और आपको अपना नेक्स्ट अल्फाबेट मिल जाता है ठीक है और इस अल्फाबेट की पोजीशन आपकी सेवन है और आप इसी सेवन में अपना नेक्स्ट डिजिट ऐड कर देते हो तो आपको आपका नेक्स्ट मिल जाता है जो कि आपका हो गया 10. अब इसी 10 में आप अपने 5 को ऐड करोगे तो जे के आगे आप आप अगर काउंट करोगे जे के एल एम एन ओ ठीक है अब ओ आ गया ओ की आपकी क्या पोजीशन होती है ओकी आपकी फिफ्टीन पोजीशन होती है फिफ्टीन शायद आपको इतनी जल्दी याद नहीं आ रहा होगा तो हम यहां देख लेते हैं ओके आपकी फिफ्टीन पोजीशन होती है ठीक है तो ओ की आपकी फिफ्टींथ पोजिशन हो गई यहां पे आपका ओ आ गया यहां पे आपका ओ आ गया अब फिफ्टीन में आपको एट प्लस करना है अब फिफ्टीन में आप एट प्लस करोगे तो आपका ट्वेंटी थ्री आएगा ट्वेंटी थ्री पे आपकी क्या पोजिशन आती है ध्यान से देखो मैं ये दिखा देता हूं कितनी क्या पोजिशन थी आपकी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी पे आपका टी आता है टी यू वी डब्ल्यू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू आता है आपका ठीक है तो अब आपको ऑप्शन में देख लेना है कि आपका डब्ल्यू है आ रहा है कहीं पे हम देखते हैं यहां पे W है हाँ आपका ऑप्शन ए W है तो आपको आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है मुझे पता है स्टार्टिंग में एकदम से थोड़ा हार्ड हो गया बट कोई बात नहीं जब आप इसको सोल्व करोगे तभी आप पर यह सोल्व करना आएगा अब गाइस आपका फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर टू ठीक है अगर आपको ये सभी कोई क्वेश्चन सोल्व समझ में आया तो अभी का अभी कमेंट करके बताओ कि हमको समझ में आ गया और हम सोल्व करेंगे इसको ट्राई करने का खुद से भी एक बार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन डी माइनस फोर जी माइनस सेवन आई माइनस नाइन एम माइनस थर्टीन तो अब आप देखते हो कि फिर से यही प्रॉब्लम अब इसमें नया पैटर्न लगेगा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हर एक क्वेश्चन में आपका एक अलग पैटर्न फॉलो होता है अलग रूल फॉलो होता है तो अब इसमें क्या लगेगा आप देखते हो कि डी आप मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी के ऑप्शन मत देखो ऑप्शन मत देखो ऑप्शन को इग्नोर कर दो ठीक है जितना आप ऑप्शन को इग्नोर करोगे उतना जल्दी ही आपका आंसर आएगा आप इस सीरीज को समझो इसी को सोल्व करो ट्राई करो कि यहां पे जो आपका डैश है वो जल्दी से खत्म हो जाए ठीक है तो क्या होगा यहां हर एक क्वेश्चन के बाद ऐसे ऐसे लगा लेना मैं लगाना भूल गया शायद इसमें ओके तो इसमें आपका नेक्स्ट क्या आएगा जब आप इसको देखते हो डी फोर डी के बाद अगर आप अल्फाबेट से देखते हो डी के बाद कितना गैप है डी ई एफ जी ई एफ जी दो का है ओके एच आई ओके डी एफ जी दो का था फिर एक का आ गया जी एच आई जेके एल एम तो ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है यहां पे दो तीन का डिफरेंस यहां पे एक का डिफरेंस यहां पे तीन चार का डिफरेंस तो ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा अब आप इसमें देखते हो कि आपने यहां आप पे इसमें थ्री ऐड किया तो सेवन आ गया प्लस टू किया तो नाइन आ गया प्लस फोर किया तो थर्टीन आ गया ये भी आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो अब आप एक चीज देखो बहुत छोटी सी चीज है इसमें अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होते तो आप स्टार्टिंग में इसको सोल्व कर देते हैं डी की पोजिशन यहां पे डी के साथ क्या दिया है फोर डी आपका कितने नंबर पे आता है फोर जी के साथ क्या दिया आपका सेवन जी आपका कितने पे आता है सेवन फाइव सिक्स सेवन आई आपका कितने पे आता है नाइन ठीक है और आई आपका टेन से पहले आ रहा है तो नाइन एम आपका कितने आ वो, वो पे आ रहा है थर्टीन फिफ्टीन पे आता है तो माइनस टू थर्टीन ठीक है फिफ्टीन थर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन तो ये आपका थर्टीन पे आ रहा है तो आपको सिर्फ इसमें सिंपली चेक कर लेना है कि किस अल्फाबेट का नंबर इनमें से चारों में से करेक्ट दिया हुआ है ओके तो बस आपको इतना ही करना है अब आप देखो किसमें से कितना करेक्ट दिया हुआ है अभी अभी हमने यहीं पे पढ़ा था हमने ओ पढ़ाता ओ आपका कितने पे आता है फिफ्टीन पे आता है फिफ्टीन पे आता है ये देखो ठीक है तो इसका आंसर हो गया आपका बी अब आपको लग रहा होगा कि शायद किसी और में भी हो हम पी को देख लेते हैं पी आपका कितने पे आता है पी आपका सिक्सटीन पे आता है फिर पी आपका सिक्सटीन पे आता है कहां गया क्यू आपका कितने पे आता है क्यू आपका क्यू 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 आपका सेवनटीन पे आता है यहाँ पे कितने में देखो सिक्सटीन तो ये भी गलत है एम आपका सेवनटीन पे बता रखा है एम आपका कितने पे आता है एम आपका 13 पे आता है तो ये भी आपका सोल्व नहीं हुआ आपका ऑप्शन बी करेक्ट है अब आ जाते हैं हम आपके थर्ड क्वेश्चन पर अगर समझ में आ रहा है तो अभी के अभी कमेंट करो और वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस डेली आठ बजे आकर पढ़ लेना ओके फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी बी माइनस थ्री डी माइनस सिक्स एफ माइनस नाइन और च माइनस ट्वेल्व तो अभी, के अभी इसको सोल्व करके देखो और देखो कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ठीक है मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन आपका दो तरीके से सोल्व होगा तो ट्राई करो उसको सोल्व करने का और मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताओ मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो कमेंट करके बताओ कि क्या क्या आंसर है इसमें से आपका और क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है ठीक है तो चलिए मैं ये बता देता हूं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें आपके दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं एक तो ये वाला नंबर नंबर से लेकर चलते हैं तो आपका आ रहा है थ्री थ्री टू जीरो सिक्स थ्री थ्री नाइन थ्री फोर जीरो थ्री फाइव जो फिफ्टीन अब आप ऑप्शन में देख लो कि आपका फिफ्टीन कहां आ रहा है फिफ्टीन ही हो रहा आंसर अब हम एल्फाबेट से देख लेते हैं बी सी का एक गैप हुआ डी ई का गैप हुआ एफ जी का गैप हुआ एच आई का गैप हुआ जी तो यहां पर आपका जे भी आ गया इतना इजी क्वेश्चन था ठीक है अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है आपका थ्री एफ सिक्स जी इलेवन जी और एटीन एल ठीक है ये आपका क्वेश्चन है ऑप्शन में दे रखा है आपका ट्वेंटी वन ओ ट्वेंटी फाइव एन ट्वेंटी सेवन पी और ट्वेंटी सेवन क्यू तो अब आप इसको सोल्व करके देखो देखो कि इसमें आपका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है करो और इसको सोल्व करके देखो कि आपका इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलो एफ जी ठीक है जीरो को गैप जी एच आई जे तो एच आई जे इन दोनों के बीच में कितने उसका डिफरेंस हुआ एफ जी एच एफ के बाद आपका डायरेक्ट जी आ गया तो जीरो डिफरेंस फिर आपका कितना हुआ इन दोनों के बीच में जी एच आई जे तो थ्री का डिफरेंस जे हो गया के एल तो ये आपका टू का डिफरेंस हुआ के एल तो ये आपका नंबर वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा अब आपको लेटर से देख आ, लेटर से तो कुछ नहीं हो रहा अब आपको नंबर से देखना है नंबर से क्या होगा देखो देखोगा सॉरी सॉरी यहां पे एक चीज गलत हो होगी आई है यहां पे ठीक है ये यह यहां पर आपका आई आएगा और आप इसको सोल्व करके देखो तो आप नंबर से देख रहे हो तो शायद आप पर सोल्व नहीं हो पा रहा तो हम लेटर से देखते हैं इसको ठीक कर लो आई है आई 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 ठीक है आप फिर से देखो इसको F, F, फिर है आपका G, फिर है आपका I, फिर है आपका L. आपको ये फाइंड करना है F के बीच में जीरो डिफरेंस है एफ जी जीरो जी के बाद एच वन आ गया आई के बाद जे के जे के टू आ गया तो यहां पे आपका कितना आना चाहिए के एल एम एन ओ तो यहां पे आपका थ्री आ गया वन टू थ्री ठीक है तो ओके बाद क्या आएगा आपका यहां पे पी अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आपका यहां पे पी है कहीं पर हां ऑप्शन सी में पी है तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज ट्वेंटी सेवन पी ओके हम आपका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका ये रहा तो अब इसको आप खुद से एक बार फिर से सोल्व करके देखो कि अगर आपसे सोल्व हो रहा है तो ठीक है नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं करा दूंगा करके देखो इसमें दे आपको सी थ्री एच एट फिफ्टीन ओ फिफ्टीन ओ फिफ्टीन मैंने ओ फिफ्टीन बोला तो आपके दिमाग में कुछ मेमोराइज हुआ अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ओ की पोजिशन फिफ्टीन थी तो हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नंबर अल्फाबेट और उसकी पोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है अब आप में से बहुत सारों को नहीं याद कि लेटर्स की पोजिशन क्या है तो हम फिर से देख लेते हैं तो क्वेश्चन है हमारा सी 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 हाँ, हमारा थ्री पे आता है ओके एच एट एच एच आपका एट पे ही आता है क्योंकि जे आपका टेन पे आता है ये रहा आपका एच एट नाइन टेन ओके नेक्स्ट आपका ओ फिफ्टीन हमारा फिफ्टीन पे आता है याद रहेगा आपको तो अब हमको इनमें से देखना है कि कौन सा नंबर हमारा सही पोजिशन पर आ रहा है हम सबसे फर्स्ट देखते हैं ए से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्वेंटी एक्स हमारा ट्वेंटी फोर पे आ रहा है हाँ एक्स हमारा ट्वेंटी फोर पर ही आता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है बाकी को हमको चेक करने के लिए हम फिर से देख लेते हैं कि आई हमारा थर्टी फाइव कितना ट्वेंटी फाइव पे आता है सॉरी ट्वेंटी फाइव होगा गलती से थर्टी फाइव लिख दिया आई हमारे ट्वेंटी फाइव पे नहीं आता है. 25 पे तो हमारा वाई आता है नेक्स्ट हमारा टी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स पे तो जेड आता है और जी जी जे हमारा कितने बाद है टेंथ पे आता है तो ये क्वेश्चन गलत है और हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गैस आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स अब तो इसमें इतने नंबर बड़े बड़े नंबर आ गए शायद आप वो ये वाला मेथड भी यूज ना कर पाओ तो देखो कि इसमें क्या डिफरेंस है ठीक है बहुत इजी से हो जाएगा ये क्वेश्चन अब क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड आ रहे थे अब आप यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने लगोगे और मैंने आपको रीजनिंग जब से सिखा रहा हूं जब से पढ़ा रहा हूं जब से मैं बता रहा हूं कि जब तक रीजनिंग में आप अपना माइंड ओपन रखोगे खुला रखोगे कम दिमाग लगाने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा वीडियो को पॉज करो सॉल्व करके देखो होता है तो ठीक है नहीं होता तो कोई बात नहीं मैं बताता हूं आप इसको सिंपली देखो N O पी क्यू ठीक है O पी क्यू एन से पहले क्या आता है एन से पहले आपका एम आता है अब आपको यहां पे देखना है आपका एम यहां पे है क्या कहीं पे हां आपका एम ये रहा तो यहां पे आपका आ जाएगा अब हम इसको नंबर से सोल्व करना चाहो तो नंबर से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो अगर आप देखते हो इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है, वो नाइन डिजिट्स का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो आपका इलेवन डिजिट्स का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो आपका थर्टीन डिजिट्स का डिफरेंस है ठीक है अगर आप सिक्सटीन में नाइन प्लस करते हो तो आपको ट्वेंटी फाइव आता है ट्वेंटी 25 25, प्लस करते हो मतलब तो 36 आता है ठीक तो है थीके? तो उसी तरीके से आपको यहां पे सिर्फ सेवन ऐसा यहां पे ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें आप सेवन प्लस करो तो आपका सिक्सटीन आ जाए सेवन क्यों क्योंकि आपने यहां पे नाइन प्लस किया है ना ठीक है पे आपका एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो जो कि आपका ना जो कि आपका 7, आपका ऐसा नंबर हो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे ठीक है क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, के अभी। और सॉल्व हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी क्योंकि आप एक नया क्वेश्चन सीख चुके हो अब हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब ये आ गया आपका एक और क्वेश्चन अब ये तो अलग ही तरीके का अभी तक कोई नहीं आया ऐसा पहले बीच में फिर नंबर फिर इधर उधर एबीसीडी बी टू डी ई थ्री एच आई फोर एम फिर से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं करना वीडियो को पॉज करना है आपको खुद से सॉल्व करके देखना है नहीं होता तो कंटिन्यू करना है ठीक है मैं करा देता हूं क्यों बिना वजह टाइम वेस्ट करना टाइम को रोक के तो देखते हैं बी टू डी बी के बाद हम डायरेक्ट पहले हम अल्फाबेट से इसको सोल्व कर देके देख लेते हैं बी सी डी ई एफ जी H, आई अगर आप नोटिस करो तो इसके बाद जो आपकी डिजिट आ रही है वो आपकी डी के बाद ई आ रही है डी ई e, H, आई ठीक है डी e, ई एच आई तो एन के बाद एम के बाद आपका यहां पे एन आना चाहिए सबसे पहले आप यही दिमाग लगाओगे मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं ना जो जो जहां जहां तक आप माइंड लगाओगे मैं वो सभी तरीके आपको बता रहा हूं तो एम के बाद यहां पे आपका एन आना चाहिए आप ये सोचोगे अब आप ऑप्शन में देखते हो तो आपको एन हर एक में मिल जाएगा चलो ये भी छोड़ो फिर आप देखोगे कि चलो नंबर से सोल्व करके देख लेता हूं तो आप नंबर देखोगे टू थ्री फोर तो आप सोचोगे कि चलो फाइव आएगा बीच में फाइव देख लेता हूं फाइव कौन सा है फाइव आपका सभी में और फिर से प्रॉब्लम हो गई सभी में आपका फाइव आ रखा है एन भी सभी में फाइव फाइव भी सभी में है, फिर आपको लगेगा ये तो कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है कोई बात नहीं फिर से करते हैं अब आप देखोगे कि बी और डी के बीच में कितना डिफरेंस है, है अगर आप बी में 2 प्लस करोगे बी प्लस टू सी और डी ठीक है अगर आप बी में 2 प्लस करते हो तो आपका डी आता है ई e में आप कितना प्लस करते हो ई एफ जी और एच ठीक है आ गया ना तीन में प्लस करने पे एच आ गया चलो ये तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी तक हमारा फिर आई में देखते हैं हम आई में हमको फोर प्लस करना है आई जे के एल और एम मतलब हमारा यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अब हमको एन लेके आना है एन और एन के बाद हमको देखना है क्योंकि हमको तो ऑलरेडी पता है कि बी के बाद डी आ डी के बाद ई e आ रहा है तो एच के बाद आई आ रहा है और एम के बाद एन आना चाहिए तो हमको देख हमको ये तो पता चल गया कि हमारी फर्स्ट डिजिट एन है और हमको ये भी पता चल गया कि टू थ्री फोर और नेक्स्ट डिजिट हमारी फाइव है ठीक है सॉरी uh, फ्लैश बंद हो गया क्योंकि फोन थोड़ा सा हीटअप हो गया मेरे ख्याल से सभी को दिखाई दे रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया हम डिलीवरी सॉरी फॉर दैट ठीक है तो फाइव आ रहा है यहां पे आपका तो फाइव आपको प्लस कर देना है फाइव आप प्लस करोगे तो क्या होगा एनओ पी क्यू आर एस तो अब आपको देख लेना है एन फाइव और एस एन फाइव और एस ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है एन फाइव एस आपको दिखाई दे रहा है एन फाइव एस ऑप्शन बी इज करेक्ट अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है गाइस ए वन ई और एफ फोर जे के नाइन ओ ऑप्शन नहीं देखना हमको इसी से सॉल्व करना है अब आपको सॉल्व करना है किस तरीके से आपने जिस तरीके से ये करा उसी तरीके से एक बार इसको भी चेक करके देखो क्या ये उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा अब आप या फिर पहले से सॉल्व करके देखते हैं चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं आप इसको करके देखना पहले खुद से फिर देखना वीडियो को तो अब आप देखते हो कि इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा होगा अगर फर्स्ट वाला तो देखते हैं एफ ई एफ हो रहा है के हो रहा है ओ के बाद आपका पी आना चाहिए तो ओ के बाद आपका पी डायरेक्ट यहां पे कहां पे आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है तो आप सिंपली इसको डायरेक्ट एक लगा सकते हो ठीक है आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो और आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके ठीक है और अगर आप दूसरे तरीके से कॉल सॉल्व करना चाहते हो तो आप और भी देख सकते हो आप देख सकते हो कि फाइव डिजिट्स का डिफरेंस है ए और ई e. ए के बाद आप काउंट करते हो तो ए बी सी डी ई तो ये आपका फिफ्थ है फिर तो आप देखते हो ई e के बाद एफ ई e के बाद एफ आ गया एफ के बाद आप जे में देखते हो एफ जे के एल एम एन ओ पी तो आपका के कहां पर आया जे के ठीक है आप स्टार्ट करते हो क्या एफ था ना आपका एफ जी एच जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी अब आपको देख लेना है कि कितने कितने वर्ड्स का डिफरेंस है एफ के बाद आपको जे देखना है एफ जी एच आई जी एच ठीक है एफ जी एच यहां भी आपका तीन का हो गया जे आ गया ओके okay? फिर आपका जे के बाद के कि आपका डायरेक्ट आ जाएगा के के बाद आपको पी तक का देखना है चार समझे पहले आपका कितने का आया यहां पे ए के बाद ई e, समझ में आ रहा है ए बी सी डी तीन ए के बाद ई e, तीन एफ के बाद जे एफ जी एच आई तीन ठीक है जी एच आई जे और के के बाद जे के बाद के 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 बाद फिर से तीन ठीक है के, के बाद फिर से तीन आप काउंट करोगे के एल एम एन ओ ओ ओके तो आपका जो फर्स्ट से सेकेंड जो आपके वर्ड्स हैं उनके बीच में तीन का आपका डिफरेंस होना चाहिए तो आप पी और टी तक को लेके जाते हो पी क्यू आर एस और टी ठीक है सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा शायद इधर तो पी क्यू आर एस टी ओके गाइस सो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो वाला क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट है आपका सी फोर एक्स एफ नाइन यू आई सिक्सटीन आर तो ये वाला क्वेश्चन फिर से इस वक्त पॉज करके देखो और ट्राई करो कि अगर आप पर ये सोल्व होता है या नहीं होता है अगर आप पर अभी भी सोल्व नहीं हो रहा है तो सिंपल सा मैं बता देता हूं इसको देखो अगर आप इन दोनों को देखो तो आपको इन दोनों में कुछ चीज कॉमन लगने वाली है सी और एक्स ठीक है सी और एक्स अगर आप को मैंने वही वाली शीट में फिर से दिखाता हूं ये रही सी अगर आप इसमें देखते हो कि सी की आपकी जो पोजीशन है ठीक है सी की आपकी जो पोजीशन है वो आपकी थर्ड पे है और इधर से एक्स की भी आप पोजीशन देखो तो आपकी थर्ड पे है और सी और एक्स एक साथ दिए हुए हैं ठीक है एफ और यू एफ की आपकी क्या पोजीशन है एफ आपका सिक्स पे, पे आता है और यू भी आपका सिक्स पे आता है नेक्स्ट है इस आपका के और ओ सॉरी आई और आर आई आई की आपकी पोजीशन नाइन है और आर की भी आपकी पोजीशन नाइन है तो सिंपली आपको ऑप्शन में भी यही चीज चेक करनी है कि, कि किस ऑप्शन की पोजीशन आपकी सेम है ठीक है तो ये मैंने आपको दिखाया था आपको यहां पर से समझ में नहीं आ रहा तो हम यहां से देखते हैं इसको ये भी आपका नीचे भी दिया हुआ है ये अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो अगर आप क्वेश्चन नंबर नाइन में ऑप्शन नंबर देखते हो सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी तो एल ट्वेंटी फाइव ओ तो एल की क्या पोजीशन आती है देखो यहां पे एल की पोजीशन यहां पे फिफ्टीन आती है और एल की पोजीशन इधर से भी और इधर से ओ की पोजीशन आपकी फिफ्टीन आती है इधर से एल की पोजीशन आपकी फिफ्टीन आती है और ओ की पोजीशन फिफ्टी आती है फिफ्टीन आती है तो आपको ये चेक करना है कि कौन से आपके जो लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन आपकी सेम आ रही है ओके okay, समझ में आया इन दोनों की आपकी थ्री आती है एफ नाइन की इन दोनों की इन सभी की आपकी सेम सेम पोजिशन आती है एफ एफ की सिक्स आती है और आपकी आई की आपने कहा काउंट किया होगा कितने पे आती है फिर से रिमेंबर करो अभी अभी दिखाया इसको बैक करके देखो क्योंकि अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आपको यही प्रॉब्लम होने वाली है अभी भी याद नहीं आया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई की पोजीशन आपकी मैं नहीं बता रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए थ्री बी नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ए थ्री बी सी सेवन डी ई इलेवन एफ जी फिफ्टीन एच एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फ्लैश की वजह से क्योंकि मैंने फ्लैश इस पे अलग से लगाई हुई है और उसकी वजह से मुझे फोन की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो so, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में आई होप तुम समझोगे सम्झ, सब इस बात को ठीक है तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है आपका ए थ्री बी सी सेवन डी ई इलेवन एफ और जी फिफ्टीन एच अब आपको इसमें देखना है कि आपको इसमें कॉमन क्या है क्या सीरीज आपकी इसमें पैटर्न फॉलो हो रही है हार्ड वाला है इजी वाला है कॉमन सेंस यूज करना है रीजनिंग एबिलिटी यूज करनी है देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं छोड़ो सब कुछ ये दो तरीके से सोल्व हो रहा है आपका हम दोनों मैथड मैथ दोनों मैथड आपको बता देता हूं सारे क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपने एक भी नहीं किया ए बी सी डी ई एफ जी एच तो लास्ट हो गए आपके आपका आईजे अब आपको इसमें से देख लेना है आपका आईजे कौन सा है ये दोनों तो आपके ऑलरेडी कट गए अब इसमें भी आई जे है और आईजे आईजे अब आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही कोई ना कोई आंसर है ये इस बात को तो आपको पता चल गया अब आप देखते हो कि नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है थ्री में हमने फोर प्लस किया तो आपका सेवन आया सेवन में आपने फोर प्लस किया तो आपका इलेवन आया 11 में आपने प्लस किया तो आपका फिफ्टीन आया तो फिफ्टीन में आपको फोर प्लस करना पड़ेगा तो आपका नाइनटीन आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यह आपका आंसर हो गया मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और यहीं पर हमारा सीरीज टॉपिक भी होता है खत्म सीरीज के हमने कर लिया आपके ऑलरेडी चार लेक्चर जिसमें हमने आपकी सभी टाइप की सीरीज के क्वेश्चन पढ़ लिया है और मेरे को पता है आज के लेक्चर में आप फिर आप दो या तीन से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए होंगे अगर आप पर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए तो 100% परसेंट गारंटीड है कि आप पढ़ नहीं रहे और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होते जा रहे हैं सो तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन करने के लिए आपको डेली आठ बजे दो बजे और सुबह छह बजे उठ अपने लेक्चर्स को देखना होगा छह बजे करंट अफेयर्स आती है दो बजे जनरल अवेयरनेस आती है और कितने बजे और रात को आठ बजे आपकी रीजनिंग आती है सो तो अगर आपको एसएससी एस सॉरी एसएससी जी बोल रहा हूं डीआरडीओ एमटीएस क्रैक करना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो नहीं समझ में आया तो फिर से देखो क्वेश्चंस में आपके प्रोवाइड करा दूंगा कल या परसों तक और भी ज्यादा और न्यू टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो रीजन में उसके इसको नीचे कमेंट करके बताओ हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी आप मुझसे बोलोगे ठीक है गाइस सो so, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं वन लाइक्स मुझे बताया ज्यादा बच्चे तो नहीं देखते लाइव तीस चालीस बच्चे देखते हैं डेली बट अगर आप एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी क्योंकि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे जितने ज्यादा डाउट होंगे जितने ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपको बता पाऊंगा और आपको उतनी ही ज्यादा वीडियो दे पाऊंगा आपकी हेल्प कर पा, कर पाऊंगा सो so, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूं आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी डीआरडीओ एम टी एस 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 सी जी यूपी ट्रिपल एस जेई डीएमआरसी या किसी भी एग्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं रीजनिंग उनके एग्जाम में आती है तो सो विद दैट सेड बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट गाइस बाय मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में छह बजे बारह बजे और रात आठ बजे